हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल, एक नए नॉलेज, एक नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप नीचे दिए गए आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन, हाथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और आप वो दोनों को प्रेस करके मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जैसे बिना पैसे के बिजनेस कैसे करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है मतलब, तो वो आप बिजनेस कैसे करो लाइफ में मतलब, तो उसके बारे में आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू मतलब, जिसके अंदर आप उन 5 टिप्स को जानने के बाद अगर आप चाहते हो तो आप बिना पैसे के भी बिजनेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा मतलब कि आजकल के टाइम में मतलब, जब मतलब कोई भी व्यक्ति हो मतलब बिजनेस करना ही चाहता है मतलब, फिर चाहे वो स्मॉल एज से क्यों ना मतलब 17-18 साल का होगा मतलब, और 18 साल के बच्चों मतलब जॉब भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है मतलब। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मतलब कि वो जॉब के मतलब जैसे जॉब पे जाना, सुबह टाइम पर पहुंचना, फिर टाइम पर निकलना, इन चीज़ों में मतलब बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम का पंक्चुअल होना पड़ता है मतलब, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट आजकल फिर भी जॉब करने के साथ कई लोग ये ख्वाहिश होती है मतलब कि वो भी अपना बिजनेस शुरू करें मतलब, और ख़ासतौर पर, और आप सबको ये भी पता है कि जब बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो कोई भी मतलब बिना पैसे के मतलब शुरू हो नहीं सकती। फिर भी मैं आपको कुछ 5 टिप्स अभी इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, अगर आप उन टिप्स को जान जाओगे मतलब, और वो जानने के बाद अगर आप वो अगर बनना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप उन टिप्स की हेल्प लेकर अपने लाइफ में भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं मतलब अपने लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पहला सीक्रेट मतलब, जिसको अगर पैसे नहीं भी हैं मतलब, तो आप बिना पैसे के भी बिजनेस लाइफ में कर सकते हैं मतलब। तो जैसे कि मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बिजनेस तो कई तरह का होता है, जैसे बिजनेस का आजकल कोई एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक से रिलेटेड तो है नहीं मतलब, कई लोग परचून की दुकान खोलते हैं, कई लोग मतलब डेयरी की होती है, कई लोग केमिस्ट की, कई लोग राशन की, कई लोग कपड़े की, कई लोग जूतों की, कई लोग चश्मे की मतलब, आजकल बिजनेस कई तरह का मतलब लोगों के पास ऑप्शन से करने को मतलब। बट ये सारे बिजनेस ऐसे हैं मतलब जहाँ पे आपको पैसे लगाने की आवश्यकता होगी मतलब, आपको पैसे चाहिए रहेंगे। बट हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर जहाँ पे आपको पैसे नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करें, उस वहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो हमारा पहला जो टिप्स है वो वीडियो इस वीडियो के अंदर ये है कि आप जिसको आप बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट करने का, वो ये है कि यूज योर स्किल। कहने मतलब आप जैसे अगर आपके पास सिंगिंग का मान लो, अगर आपको स्किल हो या डांसिंग का स्किल हो या गिटार प्लेइंग का स्किल हो या फोटोग्राफी का स्किल हो मतलब, तो आप इन स्किल्स को आप यूज़ कर सकते हो मतलब। जैसे आजकल मतलब बहुत सारे लोग मतलब बहुत लोगों की चाहते थे कि वो अच्छे सिंगर बने, अच्छे डांसर बने, अच्छे कोरियोग्राफर बने, फोटोग्राफर बने मतलब। तो अगर आपके पास स्किल है मतलब, क्योंकि कई लोग होता है कि बचपन के टाइम में इन चीज़ों को सीखते हैं और इस टाइम वो इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं मतलब, तो इस टाइम उनके फैमिली वाले उनकी हेल्प करते हैं कि ठीक है तू डांसिंग की क्लास ले ले, तो सिंगिंग की क्लास ले ले, तो फोटोग्राफी की क्लास वगैरह ले ले। कहने मतलब जो आपने इन चीज़ों को मतलब सीख लिया, मान लो डांस आपने 3-4 साल सीख लिया, सिंगिंग आपने 3-4 साल से आप सीख रहे हो, या आपके पास सर्टिफिकेट है एज ए म्यूजिक टीचर मतलब, अगर आप उसके बाद आप किसी के अंदर जॉब में करते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो मतलब, तो आपके पास सिर्फ स्किल है मतलब सिंगिंग का, डांसिंग का मतलब, तो यूज योर स्किल मतलब। आप जो बड़े बड़े जो डांसिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं मतलब, या सिंगिंग जो भी आपके स्किल उसके इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि मैं मतलब यहाँ पर डांस क्लास दूंगा, या मैं अपनी सिंगिंग क्लास दूंगा, या मैं अपने गिटार क्लास दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पैसे भी नहीं है, आप
क्योंकि आप पर्सनल कहीं रूम तो लोगे नहीं या कहीं ऑफिस तो लोगे नहीं किसी खाने के लिए और टीचिंग के लिए। तो आप अगर किसी के पार्टनरशिप में जाकर मतलब अपना स्किल को यूज़ करते हैं मतलब, तो इससे क्या होगा कि आप तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ कुछ मतलब क्योंकि अब आपको क्योंकि कोई भी अपना रूम वगैरह देगा शेयर करने के लिए कुछ घंटों के लिए जहाँ पर आप क्लास दे रहे हो मतलब, तो इससे क्या कि आपको अपना पर्सनल लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और आप करना क्या है, आपको अपने पर्सनल स्किल को यूज़ करना है वहाँ पे, मतलब जो आपकी गिटार के नॉलेज है या सिंगिंग के नॉलेज है या डांसिंग के नॉलेज है ना, वहाँ पे आप जाकर बच्चों को सिखाइए और जो भी पैसे आते हैं तो उसे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया मतलब। आपने एक तो बच्चों को सर्विस दे दी मतलब, और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। जो बच्चे मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं कि कई लोग जैसे अच्छा पढ़ाई लिखाई में अव्वल होते हैं, टॉपर होते हैं, अपने मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब क्लास में फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन या जो भी अच्छे टॉपर होते हैं मतलब, उनके पास अच्छी स्किल होती है मतलब अच्छे मार्क्स लाए हुए होते हैं, तो वो किसी को अच्छे ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो आप जो बंदों के पहले से ही बड़े बड़े ट्यूशन वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर आप जो आपके सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं मैथ जो भी आप मैथ है साइंस है हिस्ट्री है साइंस है उन सब्जेक्ट का वहाँ पर जाकर ट्यूशन एक बार मतलब जो वहाँ का ओनर उससे बात करें कि मेरे पास ये स्किल है मैं पढ़ाना चाहता हूँ मतलब बच्चों को, जो भी फीस होगी आपस में शेयर कर लेंगे मतलब। इससे क्या होगा आपको रूम भी नहीं लेना पड़ा और आपका एक इंस्टीट्यूट पर्पज से मतलब आपने अपना स्किल को यूज़ करके आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया मतलब, आपकी अर्निंग भी हो रही है और आप लोगों को सर्विस भी दे रहे हो मतलब, और आपका एक बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि आप अपने पर्सनल स्किल को यूज़ करके चाहे वो आपके एजुकेशन का स्किल हो चाहे डांसिंग सिंगिंग गिटार प्लेइंग या फोटोग्राफी का स्किल अगर आपने सीख रखा है मतलब, तो उसको आप दूसरों को सिखा कर उससे आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके सिखा कर मतलब उससे आप मतलब अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो मतलब। और दूसरा जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ वो ये है कि मान लो अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे का बिजनेस है लेकिन वो उसको अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं है मतलब है ना, तो आप उस क्योंकि आपका जानकार है आपका फ्रेंड है आपके मतलब आपकी जान पहचान के, तो आप उससे बोल सकते हो कि मुझे बिजनेस मतलब मैं आपकी वजह से हेल्प कर सकता हूँ मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज है मतलब, तो मैं आपको जो भी आपकी हेल्प होगी उसमें आपकी हेल्प करूँगा और जो भी होगा मुझे शेयर कर दीजिएगा मतलब, जो भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा 5% 10% मतलब या जो भी आपको लगता है मुझे दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपने एक बिजनेस में अपने कोई आपके भाईचारे में आपका किसी बंदे के बिजनेस आपने उसकी बिजनेस में हेल्प करके आप उससे मतलब एक आपने अपने मतलब उस बंदे का हेल्प भी कर दिया और आपने एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया उस बंदे के साथ एक हेल्पिंग हेल्पिंग बिहेवियर से और एक एक पार्टनरशिप बिहेवियर से मतलब, कि आप उसके संग एक आप ऐसे दोस्तों से जुड़ चुके हो और आप उसके बिजनेस में हेल्प कर रहे हो मतलब उसकी मदद कर रहे हो मतलब, तो आप वहाँ पर भी एक तरीके से एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, अपने आइडियाज वगैरह उसको दे सकते हो मतलब अगर अगर उस बंदे को कुछ चाहिए तो मतलब। और जो मैंने आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने पहले भी बताया था कि पहले वाले में तो मैंने उन स्किल्स की बात की मतलब जो किसी डांस सिंगिंग गिटार से रिलेटेड है मतलब, उसी में से एक हमारा तीसरा जो बिजनेस स्टार्ट करना वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कई लोग पढ़ा लिखने में चैलेंज होते हैं मतलब, काफ़ी ज़्यादा उनके हाई मार्क्स वगैरह आए हुए होते हैं, पढ़ा लिखने के बाद भी वो जॉब नहीं करना चाहते या उनका मन होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास कोई रिसोर्सेस वगैरह नहीं होते मतलब, तो वो अपने मतलब वो ट्यूशन वगैरह देना शुरू कर सकते हैं जो बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े क्लास के बच्चों को या छोटे क्लास के बच्चों को ट्यूशन देकर बच्चों को स्टडी करा सकते हैं, जो बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे तो और ज़्यादा वो मतलब आपसे ट्यूशन पढ़ेंगे और वो जो बंदे अच्छे मार्क्स लाएंगे वो भी आगे अपने आस पास में उस बात को स्प्रेड करेंगे कि हमारे टीचर हैं उनके पास हमने ट्यूशन पढ़ के मतलब अच्छे मार्क्स लेके आए मतलब। तो आप ऐसे ट्यूशन टीचर भी जो आपकी नॉलेज आप हाई मार्क्स या अच्छे अपने अपने स्कूल टाइम में रहे हो अच्छे मार्क्स लाए रखे हो, तो आपकी जो जो आपके एजुकेशन का जो एक स्केल है मतलब आपके अच्छी एजुकेशन का उसको आप ट्यूशन के थ्रू शेयर करके आप मतलब उससे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का कोचिंग सेंटर भी शुरू कर सकते हो मतलब कहीं पे, क्योंकि अगर बच्चे आने लगेंगे तो आप खुद भी मतलब पे कर सकते हो रेंट वगैरह जो भी रूम का होगा, बच्चों को ट्यूशन देने के लिए तो आपको स्पेस चाहिए ही रहेगा मतलब, तो आप वहाँ पर अपना ही खुद का स्किल यूज़ करके मतलब एजुकेशन का बच्चों को अच्छा ट्यूशन देके अच्छे नॉलेज देके मतलब आप उसको अपना एक बिजनेस बना सकते हो मतलब। ये था हमारा तीसरा कि मतलब जो क्या बोलते हैं
से आप मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अपने एजुकेशन को यूज़ करके। और जो चौथा है हमारा सीक्रेट आज के इस वीडियो में, वो है कि टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स विदाउट इंटरेस्ट फॉर मनी। मतलब कहने वाले जो भी अगर आपके दिमाग में जैसे कोई बिजनेस आता हो बढ़ के उस बिजनेस को स्टार्ट करने, मतलब कोई सपोर्टिंग मनी चाहिए होती है ना, कि थोड़ा बहुत लगाया फिर बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं कहने का मतलब, तो वो जो सपोर्टिंग मनी है, मतलब अगर अगर आपके पास नहीं है मतलब, तो जो आपके फ्रेंड्स में अगर कोई अच्छा मतलब फैमिली मतलब रिच फैमिली से या मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसके बाद पैसे अच्छा उसकी इनकम अच्छी है कहने उसकी फैमिली की, तो वहाँ से आप कुछ पैसे की हेल्प वगैरह ले सकते हो मतलब बिना इंटरेस्ट के मतलब। और फिर आप अगर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और अर्निंग आने लगी तो आप उसको मतलब उसको वापस कर दोगे कहने का मतलब। तो आप अपने फ्रेंड से बिना मतलब इंटरेस्ट पे मतलब कई लोग इंटरेस्ट पे जैसे देते हैं, तो आप ऐसे फ्रेंड से बिना इंटरेस्ट के मतलब पैसे लेकर मतलब उससे कोई बिजनेस जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, देन जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करने लगेगा तो आप पैसे को वापस कर सकते हो। तो इससे भी आपको क्या हुआ कि पैसे आपके खुद के अर्निंग के नहीं, आपने किसी से लिया और वहाँ से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये था आपके लिए चौथा सीक्रेट मतलब इस वीडियो के अंदर। और जो फिफ्थ एंड लास्ट जो मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ वो इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि आप यूट्यूबर बन के भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हो कहने मतलब। आजकल के टाइम जैसे आपने कई सारे यूट्यूब पर चैनल देखे होंगे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे कि मनोज डे हो गए और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्या बोलते हैं अमित बड़ाना आदि, आशीष चंचलानी सर, अमित बड़ाना सर और बीबी की वाइन सर का चैनल है, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर मतलब जो आज यूट्यूबर बनने के बाद अच्छी इनकम अपने चैनल से कर रहे हैं मतलब। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आपको इंटरनेट है तो अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप बनाकर एक चैनल पर डालिए मतलब। और अगर आपके वीडियोस में दम हुआ, अगर लोगों को आपके वीडियोस में पसंद आया तो वो वीडियो अपना आप ही आगे आकर ग्रोथ करने लगेगा, शेयर होने लगेगा, और शेयर होने लगेगा तो आपका मतलब जैसे यूट्यूब पे रूल होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर 400 वॉचिंग हावर्स चाहिए रहता है इन वन ईयर के लिए। तो अगर ये सारे जो भी यूट्यूब के रूल्स वगैरह होते हैं अगर उनको फॉलो करोगे और अगर उनको कंप्लीट कर लोगे एक साल के अंदर, तो आप भी यूट्यूब से इनकम जनरेट कर सकते हो। और करना क्या है, फिर आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के डाल दें मतलब, और जो कोई पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार आप अपने आपको किसी प्रोफेशन में ढाल सकते हैं यूट्यूबर बन के। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स जिनको मैंने आपको इस वीडियो के बताने की कोशिश किया कि अगर आप इन 5 टिप्स को अपनाओगे और अगर उसको कोशिश करोगे मतलब, तो आप बिना पैसे के भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो और आगे की लाइफ अच्छे से आप जी सकते हो मतलब। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसा लगा आप सभी को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को मेरे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आने वाले आप हर वीडियोज़ को देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स इन लाइफ और नेगेटिव थिंकिंग इन लाइफ। तो हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स इन लाइफ, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करें कि जीवन के अंदर हम जो हमें वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं या कुछ हो जाता है मतलब, तो हमें नेगेटिव थॉट्स वगैरह नहीं जो नकारात्मक सोच और विचार हमारे हमें आने लगते हैं कहने मतलब, तो उनको हम कैसे रोकें। तो
उसी के बारे में आज हम इसे वीडियो के अंदर बात करें कि हमें का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन काफी भाग दौड़ भरा है, मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में मतलब जैसे इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जब मतलब हर अलग अलग प्रकार के स्टेटस से बिलोंग करने वाले मतलब लोग रहते हैं, मतलब चाहे वो जैसे कई लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई लोग मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई लोग सिंपल फैमिली से, कई लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। रिच फैमिली जो लोग बिलोंग करते हैं मतलब उनके पास सारी सुख सुविधाएं होते हैं, वो किसी भी मतलब वो जो चाहते हैं वो उनकी पूरी हो जाती है, जो भी नीड्स वगैरह होती हैं। जो मिडिल क्लास से होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनके पास में लगभग सभी सुविधाएं होती हैं मतलब। लेकिन जो लोग नॉर्मल क्लास से सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब उनको भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब। जैसे जो ज़्यादातर से देखा जाता है कि दिल्ली रहे सर में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी कई लोग यूपी, बिहार या झारखंड या उड़ीसा से लोग यहाँ पर आकर जॉब करते हैं मतलब, और अपने घर को अपने मतलब अपने फैमिली को संभालते हैं, पालते हैं मतलब। और कई लोग इतने दूर जगहों से आते हैं तो उनके पास में घर नहीं होता, तो लोग रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हुए अपने घर को संभालना, बच्चों को अच्छी स्टडी देना, उनकी नीड्स को पूरा करना, अच्छी एजुकेशन दिलाना, उनकी अच्छी डाइट देना, क्योंकि अच्छी जब डाइट होगी तो ही बच्चे का पढ़ाई में यानी जो उसका अच्छा ग्रोथ होगा लाइफ के अंदर मतलब। फिर घर के नीड्स को पूरी करना, बिजली, राशन, रेंट वगैरह, मतलब दुनिया भर की टेंशन होती है। कहना है मतलब जब जो नॉर्मली या सिंपल फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा टेंशन वगैरह होता है, मतलब नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हो, मतलब मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके पास क्योंकि उनको वो क्योंकि उन पर स्ट्रेस काफ़ी होता है लाइफ के अंदर मतलब। कि अगर किसी चीज़ को टाइम पे पेमेंट करना, पैसे नहीं है तो फिर थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कैसे करें, क्या करेंगे, फिर उसके उससे उसी के साथ नेगेटिव थिंकिंग वगैरह आने शुरू हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये मतलब दुनिया भर के मतलब थॉट आने शुरू हो जाते हैं। क्या नहीं मतलब इस तरीके से फिर ऐसे मतलब जैसे इस वर्ल्ड के अंदर ही तो चलो बात रही मतलब ये इस मतलब स्टेटस की चीज, इस तरीके से लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं और किस हर स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोगों के लाइफ में क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, और कैसे अपने लाइफ को वो मतलब अपना जीवन यापन करते हैं कहने का मतलब। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर मतलब जब कोई मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब, वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो मतलब, तो ये जो मैं आपको बताऊंगा मतलब जो नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं या थिंकिंग होती है किसी को भी हो सकती है, चाहे वो रिच हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हो मतलब। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग जो किसी को भी आ सकती है अपने करंट कंडीशन के हिसाब से मतलब। तो जब कोई बच्चा इस वर्ल्ड में आता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस वाले फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो मतलब, तो देखा जाता है कि जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब, तो उसकी जो एज होती है वो 1 से लेकर 3 साल तक की जो एज होती है उसकी, वो इस एज में मतलब उस बच्चे को मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ 2-3 चीज़ें ही सीखता है करना करना सीखता है। पहला हो गया मतलब खाना पीना सीखता है मतलब, चलना फिरना सीखता है अपने पैरों पर, अपने हाथ से भी चलता है मतलब। और तीसरा हो गया बोलना सीखता है मतलब, क्योंकि वर्ड्स क्लियर नहीं हो, धीरे धीरे दांत वगैरह निकलते हैं तो वो बोलना सीखता है कहने का मतलब। तो इस तरीके से वो 2-3 चीज़ें करता है कहने का मतलब। एक जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे स्कूल में डाल दिया रहता है, जैसे मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है स्टडी करने के लिए। तो जैसे हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो पहली से स्टार्ट होकर 5वीं तक होता है, फिर 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और 6ठी से लेकर 12वीं तक भी होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, तो ये स्कूल होता है। और दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि स्टार्ट होता है नर्सरी से, छोटी क्लास से, नर्सरी KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हैं 10th 12th 3 साल के कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोलते हैं जिसको हम मास्टर डिग्री बोलते हैं। तो इस तरीके से आगे की जो स्टडी होती है, आगे की पढ़ाई होती है मतलब। तो कहने का मतलब जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है मतलब, चाहे वो नर्सरी क्लास में डाल दें, फर्स्ट क्लास में अगर गवर्नमेंट है तो मतलब, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई यानी जो उसकी स्टडी की लाइफ शुरू करता है कहने का मतलब। और हर साल हर क्लास को मतलब अपनी मेहनत लगन और परिश्रम करके हर क्लास को अच्छे से स्टडी करते हुए आगे पास करता हुआ रहता है। लेकिन जब वो अपना स्टडी कर रहा होता है तो कहा जाता है कि जब उसकी 4थे साल में उसका एडमिशन कराया है मतलब, तो 4 साल से लेकर जो 13 साल तक की जो एज होती है मतलब, उस एज में जो बच्चा मतलब इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता ही है,
साथ में मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, वो उसका जो मन होता है खास तौर पर, क्योंकि ये जो टाइम होता है 4 से 13 साल तक का एज होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उससे मतलब पढ़ाई लिखाई तो करता है साथ में, उसको इस एज में मतलब घूमने फिरने में काफ़ी अच्छा लगता है जो हम उनके दोस्त होते हैं, चाहे उसकी फैमिली में हो, कभी कभी रिश्तेदार लेके आते हैं, चाचा ताऊ मौसा मामा या जो भी है मतलब, या फिर गली में रहते हो नेबर के, या स्कूल में हो या क्लास के अंदर उस क्लासमेट्स क्यों ना हो मतलब, तो जो जो भी उसके हम उनके बच्चे होते हैं मतलब उनको उस बच्चे को हम उनके बच्चों के साथ खेलना कूदना ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब, कई बार खेलते कूदते वक्त चोट भी लगती है, कपड़े भी गंदे होते हैं, बाल भी गंदे होते हैं, चोट लगने के बाद वो रोता भी, लेकिन वापस पुराने वाले कंडीशन में आकर फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब उसको 13 साल तक की एज जो होती है बचपन का टाइम होता है, बचपन का समय होता है, इस एज में वो बच्चे को मतलब ये पढ़ाई तो करने के साथ साथ उसको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब 14 साल में प्रवेश कर सकता है, ऐसा माना जाता है कि जब उसका चाइल्डहुड टाइम खत्म हो चुका होता है, मतलब बचपना होता है, बट वो धीरे धीरे 14 साल से मतलब 14 ईयर से वो धीरे धीरे चीज़ों को बारे में सोचना शुरू कर देता है, मतलब कि जीवन में लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा, मुझे कपड़े नहीं गंदे करने चाहिए, मिट्टी धूल में नहीं खेलना चाहिए, कपड़े गंदे हो तो मैडम मारेगी, जो क्लास टीचर है प्रिंसिपल मारेगी, या मतलब या मैडम और मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, मम्मी भी मारे कपड़े गंदे करने के लिए, और मुझे नहीं करने के लिए दिखना अच्छा दिखना, पढ़ाई पर अच्छी स्टडी करनी है, कहने का मतलब, तो इस तरीके से उसकी जो थिंकिंग होती है धीरे धीरे बेटर होने शुरू हो जाती है, लेकिन वो ये भी देखता कि उसके जो फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो दादाजी हों या नाना जी हों, उन्होंने अपने मतलब अपने जीवन के अंदर अपने लाइफ के अंदर उन्होंने भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के मतलब अपना मतलब उन्होंने उस फील्ड में करियर बनाने के बाद उसी उसी में पूरी की पूरी लाइफ निकाल दी, मतलब अपना जीवन निकाल दिया उसमें जीने मतलब, और अपने घर को संभाला मतलब उससे जिसमें उन्होंने अपना जिस फील्ड में उन्हें अपना करियर बनाया था, इस तरीके से उनके फादर है, उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज करेंट जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं काम करते हैं, तो उसको ये पता चला था कि मतलब जान जाता है कि आगे जाकर उसको भी अपना किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा मतलब, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आजकल के टाइम में मतलब जो फील्ड बनाने वाली बात है बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है मतलब, और कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है, कोई भी चीज़ बन सकता है, एनीबडी कैन डू एनी वर्क एनी गुड वर्क एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, तो कोई होते कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी बन सकता है जो अच्छा हो लाइफ के लिए फ्यूचर के लिए मतलब, तो वो भी कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेता है मतलब मुझे लाइफ में बनना, जैसे आजकल के टाइम में डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर लेक्चरर टीचर फोटोग्राफर सिंगर डांसर कोरियोग्राफर क्रिकेटर मतलब जो भी आप बनना चाहते हो हर हर चीज़ पॉसिबल है, बट मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको हार्डवर्क एफर्ट फोकस प्रैक्टिस पेशेंस रखना पड़ेगा जीवन के अंदर, तो इन चीज़ों को करने के वो किसी ना किसी को डिसाइड कर लेता है, तो डिसाइड करने के बाद क्या होता है कि वो अपना कंटिन्यू वर्क वगैरह भी कर रहा होता है, यहाँ पर बात आती है नेगेटिव थिंकिंग वगैरह की, कि जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं कुछ हासिल करना चाहते हैं मतलब, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप करते करते कुछ चीज़ गलत हो जाती है लाइफ के अंदर, मान लो जैसे कई बार और जैसे बस में सफ़र करते हुए जैसे आकर कई लोग जैसे पहले मतलब कई लोग मोबाइल निकाल लेते हैं तो गलत हो जाता है मतलब, तो दिमाग अशांत हो जाता है और नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है कि अरे मोबाइल मेरा था, या मतलब ये मेरा कीमती मोबाइल था, मेरे में डाटा वगैरह था, मैं क्या करूँ ये वो, दुनिया भर की थिंकिंग, अगर हमें कोई या कोई हमें कुछ बुरा बोल देता है मतलब कि तेरी ये आदत अच्छी नहीं है, तेरे को सुधार करना चाहिए, या तो अच्छा नहीं है, या कोई भी हमें कुछ गलत बोल देता है, हमें अच्छे हमें कोई हमें या कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है कि रास्ते में चलते वक्त कुछ ने हिट कर दिया या साइड लग गया या कुछ हो गया मतलब, तो मतलब लाइफ में हमारे साथ कोई चीज़ गलत हो जाती है मतलब, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव थिंकिंग वगैरह मतलब नेगेटिव थिंकिंग वगैरह जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है मतलब, हम फिर उस चीज़ में और ज़्यादा और मतलब उसी चीज़ में घुसते रहते हैं और एकदम उस चीज़ में समाते रहते हैं मतलब, और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं कहने मतलब, तो और आप सभी को पता ही होगा कि नेगेटिव थिंकिंग सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होती है मतलब हार्मफुल होती है बॉडी के लिए भी हेल्थ के लिए भी और आपके दिमाग के लिए भी मतलब, तो उसी
जो नेगेटिव थिंकिंग, जो नकारात्मक सोच, आपको जब कोई भी चीज़ लाइफ में गलत हो जाती है, मतलब लाइफ के अंदर तो आपको आने से हो जाती है, मतलब तो उसको स्टॉप कैसे करें, उसको स्टॉप कैसे करें, उसी के बारे में जानेंगे। और मैं आपको वो फाइव आपको टिप्स दूंगा जिनको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो आप जो नेगेटिव थिंकिंग है, मतलब जो कुछ गलत हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर, तो आप उसको रोकने में सक्षम हो जाओगे और आप सफल हो जाओगे। और फिर आप देखोगे कि आप जो अभी आप कुछ गलत होते हो तो आप वहाँ पर नेगेटिव नहीं होते हो, आप वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रहते हो, मतलब आपको पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं और आप नेगेटिव नहीं होते। जो कुछ भी आपके लाइफ में गलत हो जाता है या कोई कुछ बुरा भला बोल देता है या कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में नेगेटिव होती है तो आप या गलत हो जाते हैं तो आपको उस टाइम नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। जो मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ, उनको अगर आप जानोगे, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव करना शुरू कर दोगे और आप जान जाओगे कि हाउ टू स्टॉप, या उनको रोकना जान जाओगे हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग इन लाइफ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 5 टिप्स के बारे में। तो जो हमारा आज का पहला टिप्स है वो ये है कि अगर आपको नेगेटिव थिंक बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब लाइफ के अंदर कुछ भी गलत हो जाता है, मतलब तो आपको जो पहला टिप्स है वो है कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब आपको ध्यान लगाना चाहिए। जैसे आजकल ध्यान लगाने से क्या होता है कि आपका जो दिमाग होता है शांत होता है, काम होता है, और आप मेडिटेशन कर रहे होते तो आपको आउटसाइड थॉट्स होते हैं, बाहरी जो विचार होते हैं, जो चाहे वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब या कोई भी दूसरे विचार होते हैं, उस टाइम आपको आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जो मेडिटेशन करने का फायदा होता है कि आपका दिमाग शांत रहता है, काम रहता है, रिलैक्स रहता है, मतलब और बाहरी विचारों को आने से रोकता है। तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियो दिख जाएंगे, बहुत ही जैसे म्यूजिक म्यूजिक वाले भी होते हैं जो दिमाग को काफ़ी शांत रखते हैं, कहने का मतलब। तो आप और कई सारे आजकल तो मेडिटेशन सेंटर भी चलते हैं, मतलब तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब और मेडिटेशन करने से जो मैंने आपको बताया कि दिमाग शांत रिलैक्स काम रहता है, मतलब और जो आउटसाइड के जो बाहरी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब वो नहीं आता, वो आते नहीं है और आपका दिमाग काफ़ी हल्का रहता है, कहने का मतलब मेडिटेशन करने के बाद। तो ये था हमारा पहला मेरा पहला टिप्स आप सभी के लिए कि आप सभी को मतलब मेडिटेशन करना चाहिए लाइफ के अंदर। तो दूसरा है आपको ओम चैंटिंग करनी चाहिए, मतलब ओम चैंटिंग जो होता है बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कई लोग आजकल के टाइम में जब उनको नेगेटिव थिंकिंग आता है तो कई लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो जो नहीं जानते हैं मतलब, तो आप लोग मतलब तो आपको डेली सुबह उठ के 5 10 मिनट या 15 मिनट तक ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, खाली कमरे के अंदर या छत पर जाकर, तो जहाँ पर साफ वातावरण हो, या सुबह जल्दी उठकर आपको ओम चैंटिंग करनी चाहिए। ओम चैंटिंग करने से भी जो आपका दिमाग होगा शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, हल्का रहेगा, मतलब। और ओम चैंटिंग करोगे आप तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, मतलब। तो आपको ओम चैंटिंग सुबह के टाइम करनी चाहिए, जैसे कि आँख को बंद कर लिया और मेडिटेशन वाले मुद्रा में आके, मतलब हाथों हाथ आलती पालती मार के, मतलब क्रिस क्रॉस लेग को करके, मतलब बैठ कर मतलब आराम से ओम चैंटिंग करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा दिखा कर रहता हूँ, जैसे हम ओम बोलते हैं तो आपने देखा होगा एक वाइब्रेशन सा होता है, मतलब जो साउंड हमारे मुंह से निकलता है तो एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से हमारे दिमाग को रिलैक्स काम और शांति फील होती है, मतलब और हमारा सर हल्का होता है, हमारा दिमाग हल्का होता है। तो कहने वाला जो दूसरा सीक्रेट मैंने बताया कि आपको डेली ओम मेडिटेशन करना चाहिए। ओम मेडिटेशन करोगे आप खुद ही इसके फायदे दिखने लगेंगे और आपको फिर धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स को रोकने में आपको आसानी होगी और नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं आएगी। और जब जब भी आपको आता है तो मैंने आपको बताया कि आपको धीरे धीरे इन हैबिट्स को अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए और सेकेंड आपको ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे आपको नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव थिंकिंग आना आपको कम हो जाएगा। तो ये था दूसरा टिप्स, आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए। तीसरा जो आप बताया कि जब भी आप कुछ गलत हो जाता है या कुछ आप नेगेटिव चीज सोच रहे होते हो गलत होने के बाद, तो उस टाइम आपको ये करना चाहिए कि आपको थिंक अबाउट गुड मेमोरीज,
कहने का मतलब जो भी आप काम कर रहे हो सकता है कि उस काम को पहले भी कर चुके हो, मतलब सक्सेसफुली कर चुके हो, मतलब तो आपकी एक लाइफ की गुड मेमोरी बन जाती है, आपकी वो लाइफ की एक गुड मेमोरी क्रिएट हो जाती है उस टाइम के अंदर, मतलब तो ऐसा तो नहीं कि अगर आपने वही काम को दोबारा आप कर रहे हो गलत हो जाता है, या कोई उस काम करने के बाद गलत होने पर कोई कुछ बोल देता है, मतलब तो आपको पता है कि आपने उस काम को पहले भी कर रखा है, तो उस मेमोरीज को आप याद कीजिए जो आपके गुड वाले मेमोरी थे जिसमें आपने उस काम को सक्सेसफुली कर किया था, याद किया था, तो आप उस मेमोरी को याद करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उस काम को करने का, जो गलत हो गया जिससे आपको नेगेटिव थिंकिंग आया, वो तुरंत ही वो आपके दिमाग से हट जाएगा, कि वो लगेगा कि हाँ हमने इस काम को पहले भी ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर रखा है, क्या नहीं, मतलब तो आपको आप इस काम मतलब जो दोबारा भी कर रहे हो तो आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। तो कहने का मतलब तीसरा सीख मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि आपको थिंक अबाउट गुड मेमोरीज, जो आपने आपकी लाइफ में जो गुड मेमोरी रह चुकी है उस काम से रिलेटेड, या जो आपने इसके पहले किया है, या मान लो पहली बार भी कर रहे हो, तो आप ये देखो ना कि आपने जो जो लाइफ जो जो काम आपने लाइफ में सक्सेसफुली उनको कंप्लीट कर लिया उनके बारे में आप सोचिए, उन गुड मेमोरीज के बारे में सोचिए जिनको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप उससे भी ये होगा कि जो आप करंट वर्क कर रहे हो, अगर पहली बार भी कर रहे हो, तो उन पुराने थॉट्स, उन पुराने जो आपके गुड मेमोरीज थे उनसे आपको पावर मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल होगा और आप स्ट्रांग हो जाओगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो स्ट्रांग हो जाएगा और आप बेटर फील करोगे, मतलब अपने पुराने वाले ओल्ड मेमोरीज से जिसको आपने सक्सेसफुली किया था, तो आप जो आपका करंट वाला भी होगा उसको आप सक्सेसफुली कर लोगे, और ऐसा करने से आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग होगी या नेगेटिव थॉट्स होगा उसको आप रोक पाओगे, और जो भी आपका काम होगा उसको आप सक्सेसफुली कर पाओगे, कहने के मतलब। तो आपको जो तीसरा रूल है वो है कि आपको थिंक अबाउट योर गुड मेमोरीज, मतलब जो आपकी पुरानी यादें हैं जिनको आपने अच्छे से किया है, मतलब उसको आपको याद करना है, इससे आप जो आपके नेगेटिव थिंकिंग्स होगी उनको आप रोक पाओगे, कहने के मतलब। जो फोर्थ सीक्रेट है, मतलब जो फोर्थ स्टेप मैं आपको देने लगा वो ये है कि जब आप उदास होते हो, नेगेटिव थिंकिंग आते हैं, मतलब और उसी में डूबते रहते हो, मतलब तो आपको जैसे आपके यूट्यूब पे कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं, या मोटिवेशनल कोट्स भी होते हैं, मतलब गूगल पे आप डालोगे और टाइप करोगे मोटिवेशन कोट, तो आपको बहुत सारे प्रेरणादायक मैसेज दिखेंगे, मतलब जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से हमारे हमारे माइंड को एक एनर्जी मिलती है, एक गुड स्ट्रॉन्ग थॉट्स मिलते हैं, क्या नहीं, मतलब तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस को देखना चाहिए। जैसे आजकल संदीप महेश्वरी सर के काफ़ी सारे वीडियो जो मोटिवेशन वाले होते हैं उनको आप देख सकते हो, मैं भी कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी मोटिवेशन वीडियो को आप देखकर और उनके बारे में जानकार मतलब जानकारियाँ जान सकते हो अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो जो चौथी मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ वो यही है कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, और यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी आप डालोगे मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कोट्स, आपको इजीली दिख जाएगा, मेरा नहीं किसी का भी देख सकते हो, मेरा नहीं तो आप किसी और का भी देख सकते हो, आपके उस पर विश पर डिपेंड करता है, मतलब तो मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी जो माइंड होगी अलग अलग एनर्जी वाले कोट्स को सुन के, वीडियोस को सुन के, टॉपिक को सुन के, मतलब आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ने के बाद आप इजिली जो आपके नेगेटिव थाट्स हैं उनका आप स्टॉक स्टॉप कर पाओगे, उन नेगेटिव यानी नकारात्मक विचारों को आने से आप रोक पाओगे, कहने का मतलब। तो आपको क्या बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए आपको क्या बोलते हैं मोटिवेशन वीडियोस को वो करना चाहिए, कहने का मतलब मोटिवेशनल वीडियोस को देखना चाहिए या कोर्स को सुनना चाहिए या वो गूगल पर जाकर उनको पढ़ना चाहिए, कहने का मतलब। जो फिफ्थ एंड लास्ट है वो ये है कि कीप मेंटर और गाइडर इन योर लाइफ, मतलब जब आपको नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उस टाइम आपको आपके कॉन्टेक्ट के अंदर ही कोई मेंटर या गाइडर रखना चाहिए या आपकी जान पहचान का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी कन्फ्यूजन में फंसे हो या कोई आपको गलत थॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो उनसे आप उसको अपना डिस्कस करके कि मेरे को ऐसा हो रहा है या अच्छा फील नहीं कर रहा, मुझे नेगेटिव थॉट्स मतलब आ रहे हैं, मतलब इस चीज़ को जानने के बाद या ऐसा होने के बाद लाइफ के अंदर, तो इससे क्या होगा जो आपका गाइडर होंगे, मेंटर होंगे, जो अच्छे नॉलेज वाले होंगे, वो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है घर में जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा हो गए, दादी हो गए, नाना नानी हो गए, या जो भी सीनियर होते हैं, मतलब अगर आप नेगेटिव थिंकिंग्स वगैरह आ रहे हो तो आप उनको अपना शेयर कीजिए, क्योंकि आप डूबते जाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको
अपने लाइफ में किसी मेंटर और गाइडर को रखना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग आते हैं तो आपको तुम शेयर कर सके, और शेयर करने के बाद वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि ये ऐसे करना चाहिए, आपको गाइडेंस देंगे। उससे भी क्या होगा कि आप नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप कर पाओगे, उनको हटा पाओगे और आप उसको रिमूव कर पाओगे मतलब। तो दोस्तों ये थे वो 5 टिप्स जिनको मैंने आप सभी बताने की कोशिश किया कि आप कैसे नेगेटिव थिंकिंग को अपने लाइफ में रोक सकते हो आने से मतलब, और कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हो मतलब जब भी आपको नेगेटिव थिंकिंग वगैरह लाइफ में आता है मतलब। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 5 टिप्स पसंद आए होंगे, और आप आशा करता हूँ कि आप सभी इन सबको फॉलो भी करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन, रेड सब्सक्राइब बटन, और उसके साइड में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे आप कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन में मतलब चुनौतियों से लड़ना सीखो, जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर मतलब। तो जो हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, जीवन में चुनौतियों से लड़ना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीखो मतलब, उसके बारे में आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो जैसा मैंने बताया कि हमें जैसे जो आमतौर पर जैसे हमारे आज वर्ल्ड के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टेटस वाले लोग बिलोंग करते हैं हमारे मतलब आजकल के टाइम में वर्ल्ड के अंदर। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से या कोई मिडिल क्लास फैमिली से, और अलग अलग फैमिली से बिलोंग करने के कारण ही मतलब जो उनकी लाइफ की जो मतलब चैलेंजेस होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे अगर कोई बंदा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास सारे रिसोर्सेज से मतलब सारी सुख सुविधाएं होती है मतलब, जो भी होता है वो खरीद सकता है, पैसे होते हैं मतलब। तो उसके पास चैलेंजेस कम होते हैं मतलब, वो बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ सकता है, फीस अफोर्ड कर सकता है, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं मतलब स्टडी मतलब मतलब जहाँ पर भी उसका स्कूल होता है, अच्छे स्कूल के कैंपस होते हैं, अच्छी स्टडी मिलती है। मिडिल क्लास वाले जो जैसे होते हैं मतलब उनको भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है लाइफ के अंदर और रिच फैमिलीज के मुकाबले में मतलब, और काफ़ी अपने आप को प्रूव करना होता है मतलब कि हाँ हमें मतलब कि हमें इस चीज़ में बेटर बनना है मतलब। उनके लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस वगैरह होते हैं मतलब। और जो और सबसे नीचे हम बात करेंगे मिडिल क्लास के बाद सिंपल फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से, ये वो लोग होते हैं खासतौर पर जिनको जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं मतलब, जैसे छोटे छोटे घरों में होते हैं। जैसे आजकल के दिल्ली में कई लोग यूपी से बिहार से मतलब आके रहते हैं मतलब काफ़ी टाइम से, और उनके अपने मतलब कई लोग रेंट पे भी रहते हैं मतलब, तो उनके अपना उसका घर नहीं होता, लेकिन फैमिली को तो संभालना होता है, फैमिली को तो जो उनकी नीड्स होती है उनकी पूरी करनी ही होती है कहने का मतलब। तो कई लोग आजकल रेंट मतलब जैसे दिल्ली सिटी में सबका अपना घर नहीं है, कई लोग जैसे शहरों से आके मतलब यहाँ पर रोजगार की तलाश में रहते हैं रेंट पर भी मतलब। कोई लोग फैमिली से भी रहते हैं, कोई लोग बैचलर होकर भी रहते हैं कि मतलब कि आजकल के टाइम में रेंट मतलब रेंट पे रहना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रेंट पे कई लोग मतलब जैसे कहीं पे 5,000 होता है, कहीं 6,000 होता है, कहीं 10,000 भी होता है मतलब एरिया के हिसाब से मतलब, तो उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब और फिर और आजकल की चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं मतलब, हर मतलब चाहे वो दूध हो, सिलेंडर हो मतलब, हर चीज़ आजकल मतलब हर महीने हर 2-3 महीने में हर चीज़ का धीरे धीरे रेट बढ़ता ही है मतलब। तो आजकल महंगाई भी हर चीज़ की मतलब महंगाई भी बढ़ती जा रही है कहने का मतलब। तो कहने का मतलब जब जीवन है तो आपको चैलेंजेस और चुनौतियाँ तो आएंगी ही लाइफ के अंदर। और जैसे मतलब सिंपल जो बंदे सिंपल फैमिली से होते हैं और जो नॉर्मल फैमिली से होते हैं उनके लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी वो जॉब वगैरह करते हैं मतलब
जहाँ पर भी वो जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको उनके पास अगर खुद की गाड़ी वगैरह नहीं होती, जैसे रिच फैमिली पे कार वगैरह होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, तो वो उनके लिए कोई इजी नहीं, इतना मतलब इजी होता है कहीं कार जाना। मिडिल क्लास वालों के पास भी बाइक वगैरह होती है, कहीं पास कार भी हो सकती है मिडिल क्लास में, बट सिंपल क्लास फैमिली से, सिंपल या नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास साइकिल होती है, या किसी किसी के पास स्कूटी हो गई मतलब, या और कई लोग तो फिर पैदल ही जाते हैं, पैदल मतलब जहाँ बस स्टैंड होता है वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से ऑटो या रिक्शा या बस वगैरह पकड़ के जो उनका डेस्टिनेशन होता है, जहाँ उनका ऑफिस होता है, वहाँ पर वो जाते हैं, और वहीं से फिर अपना दिन भर काम करके वापस अपने घर में आ जाते हैं, मतलब फिर वापस बस बस वगैरह पकड़ कर अपने घर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो जो लोग निर्बल और नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं कहने मतलब। तो अगर और उनके जो उनके फिर जो जैसे आजकल फिर जो मतलब, तो इस वर्ल्ड के अंदर मतलब कहने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब, फिर चाहे वो रिच फैमिली से पैदा होता है मिडिल क्लास में, तो उनको जो फैमिली वाले होते हैं उनको उनकी वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चीज़ दिला सकते हैं, बट अगर कोई सिंपल क्लास फैमिली में और पैदा होता है नॉर्मल क्लास फैमिली में मतलब, तो जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि चाहे बच्चा किसी भी फैमिली में पैदा क्यों ना हो, तो उसका जो 1 से 3 साल तक का जो एज होता है कहने का मतलब, 1 से 3 साल तक एज में उस बच्चे को कुछ पता नहीं होता है मतलब, वो सिर्फ खाना पीना सीखता है मतलब, चलना फिरना सीखता है अपने दोनों दोनों पैरों पर, पहले तो वो हाथ और पैर दोनों पर चलना सीखता है, और फिर और वो बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है मतलब। तो ये जो 3 मतलब 3 साल तक की एज होती है किसी बच्चे की, चाहे वो किसी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता है मतलब, वो ये तीन दो तीन चीज़ें करता है, खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है मतलब, क्लियर बोलना सीखता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है मतलब, चौथे साल में प्रवेश करता ही उसका मतलब जो एडमिशन होता है, दाखिला होता है, स्कूल में करा दिया जाता है। और जैसे हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो पहले से पांचवी पहले से स्टार्ट होता है, पांचवी तक होता है, फिर 6ठी से लेके 10th तक होता है, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, और या फिर 6ठी से फिर 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं मतलब। तो ये हो गया पहला स्कूल, पहले मतलब पहली तरह का। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो स्टार्ट होता है नर्सरी से, फिर KG, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट सेकंड, फिर आगे की 10वीं 12वीं तक की क्लासें होती हैं, उसके बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, 2 साल का मास्टर डिग्री जिसको हम बोलते हैं। तो उस बच्चे को नर्सरी क्लास में पहले क्लास में डाल दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो हर साल बच्चा मतलब हर क्लास को अपनी मेहनत लगन और स्टडी करके हर क्लास को पास करता हुआ जाता है। लेकिन उसका जो बनता है कि 4 चौथे साल में उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, तो उसका जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक की जो एज होती है, उस टाइम में उस एज में जो बच्चा होता है उसका जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है ना, तो स्टडी तो करता ही है, साथ में जो उसका मन होता है मतलब दिमाग ध्यान जो होता है ज़्यादातर, जो उसके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में रहते हों, चाहे उसकी फैमिली में हों, कभी कभी रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो आ जाते हैं, या उसके स्कूल में हों या क्लास में हों, वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप वगैरह करता है, और उसको उन्हीं हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है कहने के मतलब। तो वो खेलता कूदता है, खेलता कूदने में कभी उसको चोट भी लगती है मतलब, तो और कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं, बालों में मिट्टी लगती है, बस उसको इन चीज़ों कोई उसको असर नहीं होता है। तो थोड़ी देर चोट भी लगने के बाद थोड़ी देर रोएगा, फिर से वापस वो खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है कहने का मतलब। जो 4 साल से लेके जो 14 साल तक की एज होती है, उस एज में उस बच्चे को सिर्फ खेलने कूदने में ही ज़्यादा मज़ा आता है मतलब, और उसे बाकी चीज़ों का उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 14वें साल में प्रवेश करता है, तो कहा जाता है कि 14वें साल में प्रवेश करने के बाद चाइल्डहुड टाइम बचपन का टाइम खत्म हो जाता है मतलब, देन वो बच्चा धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है मतलब, कि क्या अच्छा है क्या बोल रहा है, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे न्यू पेंट खिले दिखना चाहिए, क्योंकि कपड़े गंदे करेंगे तो मैडम ही मारेंगी, और मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगा, मम्मी मेरे को मारेगी मतलब मारेंगी मतलब। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे अपने जो उसके थॉट्स होते हैं, अपने थॉट्स को एक्सपेंड करना बढ़ाना शुरू करता है, अच्छे गलत में फ़र्क क्या है उसके बारे में जानना शुरू करता है मतलब। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर वो देख ये भी देखता है कि उसकी फैमिली में अगर वो मतलब क्या बोलते हैं उसके जो ग्रैंडफादर थे, नाना 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 या दादाजी मतलब, तो वो भी अपने टाइम में किसी मतलब फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया, और उसके उसी उसी फील्ड में करियर बनने वाला उसी उसी फील्ड में जॉब करते हुए उन्होंने पूरी लाइफ निकाल दी घर को संभालने में,
उसके बाद जो हमारे मतलब फादर है, मतलब वो भी किसी ना किसी फील्ड में अपने लाइफ में उन्होंने करियर बनाया और आज वो करेंटली उसी फील्ड में अपना जॉब करते हुए या काम करते हुए हमारे घर को संभाल रहे हैं और हमारा हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे नीड्स को पूरा कर रखे हैं। मतलब तो वो फिर ये भी वो जो बच्चा होता है मतलब वो ये देखता है कि हमें आगे जाकर मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना ही पड़ेगा। मतलब तो आजकल के टाइम में जैसे हमारे पास कई सारे मतलब जिस भी फील्ड में हम अपना करियर बनाना बनाना चाहते हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, अगर बॉडी वगैरह अच्छी है मतलब तो लोग जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डर और सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड ही बन जाते हैं। मतलब उसके अलावा सिंगर, डांसर, एक्टर, डायरेक्टर, वो आपकी स्किल और आपकी इच्छा और आपके लगन पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। क्या नहीं, मतलब आजकल हमारे पास ना करियर बनाने के लिए बहुत सारे फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको अपनी इच्छा से डिसाइड करना है। कहने का मतलब तो जो लोग मान लो जैसे अभी यहाँ पर बात आती है मतलब चुनौतियों के, मतलब जो लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, तो अगर कोई यहाँ पर जो बच्चा होता है मतलब अगर कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके वो चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हो, तो उसके हर वो किताबें खरीद सकता है, अच्छे 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 जगह पर ट्यूशन वगैरह लगवा सकता है। क्या नहीं मतलब, और अपने अच्छे से स्टडी कर सकता है, मीडियम क्लास वाला भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। मतलब अब लेकिन जो नॉर्मल क्लास में, सिंपल क्लास में है, मतलब उनके उनके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस तरह के आते हैं। मतलब कि क्योंकि आपके आप रेंट पर रह रहे हो और बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो स्कूल में पढ़ाना, कॉपी किताब दिलाना, उनकी मतलब अगर अच्छी स्टडी के लिए आपको अच्छा खान पान भी बच्चों को देना पड़ेगा, उसकी तैयारी करना कराना, मतलब और ट्यूशन भी लगवाना, अगर आपका बच्चा वीक है तो आपको ट्यूशन भी मतलब बच्चे को लगवाना पड़ेगा। तो मतलब जो नॉर्मल क्लास, सिंपल क्लास जो फैमिली होती है उनको काफ़ी चीज़ों को मतलब लाइफ में देखना पड़ता है, और उस बच्चे को ही पता होता है जो नॉर्मल क्लास है, सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कि उसको अपने घर की कंडीशन दिखती है कि मैं और मेरे मतलब मेरे फादर है, उनकी ज़्यादा इनकम नहीं है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। और क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं मतलब मुझे बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, और क्या बोलते हैं अच्छा स्टडी करने के लिए मुझे अच्छे स्कूल भी चाहिए और अच्छे जगह ट्यूशन भी लगवाना पड़ेगा। कहने का मतलब तो उन वो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ रहता है। कहने का मतलब तो आपको फिर यहाँ पर बात आती है कि हम उससे कैसे लड़े, मतलब हम कैसे अगर हम कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो हमारे लाइफ का ड्रीम है यहाँ पर, या जो भी हमारे लाइफ का गोल है, मतलब क्योंकि हर चाहे वो रिच फैमिली से हो, नॉर्मल नॉर्मल सिंपल या मीडियम क्लास किसी भी फैमिली से बच्चा क्यों ना हो या स्टूडेंट क्यों ना हो, उसकी लाइफ में कोई ना कोई उसका गोल या कोई ना कोई ड्रीम जरूर होता है। मतलब तो आप मैं आपको बताऊँगा कि जो जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, मतलब उनसे उनको उनसे आप कैसे लड़ोगे, वो कोई भी उस वो रूल्स को फॉलो कर सकता है, मतलब चाहे वो सिंपल हो, मीडियम क्लास से हो, नॉर्मल क्लास से हो, या रिच फैमिली से हो, क्योंकि वो कोई भी उस रूल्स को फॉलो कर सकता है। मतलब क्योंकि जो भी हमारी लाइफ का ड्रीम है, उनको हम लाइफ में कुछ सीक्रेट्स को फॉलो करके, कुछ टिप्स को फॉलो करके जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे मतलब तो आप अच्छे से उन चुनौतियों से लड़ोगे भी, और आप मतलब आपकी जो भी लाइफ की डिफिकल्टी से मतलब उनको अच्छे से आप पार कर लोगे। मतलब तो उन्हें अब कुछ टिप आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ को फॉलो करोगे मतलब तो अच्छे से मतलब आपकी जो लाइफ की चुनौतियाँ चैलेंजेस हैं उनको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उनसे आप लड़ भी सकते हो। मतलब तो मान लो जो भी आप अपने लाइफ का आपने ड्रीम डिसाइड कर लिया, जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ के अंदर है, और उसको आप कैसे उसको आप अचीव करो, मतलब तो उसके लिए आपको मतलब पहला क्या करना पड़ेगा कि देखो आप स्टडी तो आप कर ही रहे हो, मतलब तो आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो तो आपको हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हो, कि आपको जो अपना आप मतलब जो भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या जो भी आपका ड्रीम है, उसके लिए आपको अपना हार्डवर्क करना है। मतलब पहला जो स्टेप टिप है वो है टिप्स वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क करोगे तभी आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकते हो, मतलब उसके बारे में अच्छे से जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते जाओगे, जानते जाओगे। अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते जाओगे तो
और जब हार्ड वर्क करने के बाद आप उस चीज़ के बारे में जानते जाओगे तो आपकी जो नॉलेज होगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब जब नॉलेज आपकी बढ़ चुकी होगी तो आपका जो उसकी तैयारी करोगे या उसके एग्जाम वगैरह दोगे या उसकी प्रिपरेशन करोगे आपको उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा। जब डिफिकल्टी नहीं आएगी तो आप उसमें अच्छे से पास कर लोगे, उस चीज़ को अच्छे से पार कर लोगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। मतलब तो जो पहला रूल है वो है, मैंने आपको स्टेप है वही रोटेट से वो है हार्डवर्क बताया कि आपको अपने जीवन में हार्डवर्क करना है, क्योंकि हार्डवर्क के थ्रू ही आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी में पैसा वगैरह लगा रहे हैं, मतलब आपको अच्छे स्टडी करा रहे हैं, ट्यूशन वगैरह भी लगवा रहे हैं, अपना मेहनत करके दिन रात एक करके, मतलब और सोचते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं और जो वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको वो अपने लाइफ मतलब उनके बच्चे अपनी जीवन में उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। तो कहने का मतलब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी आपके अगर आप अपने जो आपके पेरेंट्स की ड्रीम है आपके प्रति आप उस पर खरे उतर सको, उनको प्रूव कर सको। तो ये पहला था हमारा हार्डवर्क, दूसरा था हमारा फोकस कि जो भी आप जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब तो आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, बट अगर आपका उस टाइम पर फोकस नहीं, मतलब 3 घंटे तक हार्डवर्क कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड, आपके ड्रीम के उस टॉपिक से रिलेटेड आप उस चीज़ के 3 3 3 घंटे हार्डवर्क कर रहे हो, बट अगर आपका उन 3 घंटे में फोकस नहीं है मतलब, तो पूरा पूरा जो आपका हार्डवर्क है कड़ी जो आपकी कड़ी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कहने का मतलब तो आपको उस टाइम पर जब आप उस चीज़ का उस चीज़ से जो भी आपका टॉपिक है, वर्क है, जो भी असाइनमेंट है, उस चीज़ पर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। जो सेकंड रूल है आपका, जो सेकंड स्टेप या टिप्स भी आप कह सकते हो, आपको पूरा पूरा उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना 100% फोकस करना ही पड़ेगा उस काम के ऊपर जो भी आपके ड्रीम से रिलेटेड हो। मतलब तो आपको फोकस पूरा का पूरा करना है। जो हमारा तीसरा है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको पूरी की पूरी अपनी करनी पड़ेगी। मतलब कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, अगर आपके प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, मतलब प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं करोगे उस चीज़ की गुड प्रैक्टिस, मतलब तो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि फोकस कर रहे हो, फोकस कर रहे हो आप, हार्डवर्क कर रहे हो, बट अगर आपने उन 3 घंटे में अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की, जो भी आपने जिस टाइम में आप हार्डवर्क किया फोकस होकर आप जो कर रहे हो प्रैक्टिस, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो उसमें आपको फिर अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप किसी चीज़ के बारे में जान सकते हो कि मैंने आप कितने कितने परसेंट लेवल पर ओके हो और नहीं भी हो। मतलब क्योंकि एक कहा जाता है इंग्लिश में, मतलब एक सेंटेंस है, कहावत बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है किसी भी काम के अंदर। तो जब आप किसी भी काम की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से उस चीज़ के बारे में बार बार प्रैक्टिस करते हो, उसके चीज़ के बारे में जानोगे, मतलब तो आप किसी भी काम में या जो भी आपका ड्रीम है उसमें आपको ज़रूर रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ रहा होगे। तो हार्डवर्क, फोकस, प्रैक्टिस, और जो चौथा है हमारा वो है आपका एफर्ट। एफर्ट मतलब जो आपका जब आप अपना फोकस भी कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और जो आपका एफर्ट है मतलब आप जो आपकी कोशिश करने का जो एफर्ट है मतलब वो आपका 100% होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो मतलब लाइफ के अंदर, मतलब जो भी आपका ड्रीम है उस चीज़ के बारे में आप तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ में आप माहिर होना चाहते हो, मतलब तो आपका जो एफर्ट है मतलब आपको अपना 100% देना पड़ेगा। यानी थोड़ा थोड़ा मतलब आप 10 मिनट कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, एफर्ट नहीं दे रहे हो फिर कर रहे हो, तो इससे क्या आपका फोकस भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपका हार्डवर्क सही नहीं जा रहा है, और आपका जो एफर्ट है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है, मतलब आपका एफर्ट भी पूरा नहीं लग रहा है। तो आपका जो चौथा मैंने आपको टिप्स या सीक्रेट या टिप्स बता रहा हूँ वो है आपको अपना पूरा का पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको अच्छे से उस चीज़ पर एफर्ट देना पड़ेगा जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हो, तो आपको अच्छा एफर्ट देना पड़ेगा, 100% एफर्ट यानी पूरी की पूरी 100% कोशिश करनी पड़ेगी जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है। और जो हमारा फिफ्थ है मतलब वो जो फिफ्थ रूल है हमारा, और फिफ्थ टिप या सीक्रेट भी कह सकते हो, उसको हम बोलेंगे पेशेंस, यानी धैर्य रखना, कीप पेशेंस इन लाइफ फॉर एनी वर्क। कहने मतलब जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो और आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब और चैलेंजेस तो है ही, मतलब तो ये जो मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, या हमारे माता पिता सेक्रीफाइस करके हमें स्टडी करा रहे हैं, अपनी जो उनकी ड्रीम्स हैं उनको उनको वो साकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारी स्टडी पर अच्छा फोकस लगा रहे कि हम लाइफ में कुछ बन सके, तो हमारे ड्रीम के लिए हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी अच्छी स्टडी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर फिर आपका जो पेशेंस है आपको धैर्य रखना पड़ेगा,
कि जो, क्योंकि आप चार चीजों को फॉलो कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, जो आपके बनना चाहते हो, और जो आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप वैसा बनो अपने जीवन के अंदर, तो आपको, क्योंकि जो भी लाइफ के ड्रीम्स वगैरह होते हैं, जो भी आप बनना चाहते हो, वो कोई रातों रात की चीज नहीं होती है। 5-6 महीने में, 1 साल में, कईयों को 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाता है। वो सब किस पर डिपेंड करता है? इन्हीं 4-5 चीजों के ऊपर, जो मैं आपको सीक्रेट सभी बता रहा हूँ, कि आपको हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, प्रैक्टिस, और जो 5वीं चीज मैंने आपको बताई वो है पेशेंस। यानी आपको जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा। आप इन 4 चीजों को फॉलो करोगे और अच्छे से उस पर धैर्य भी रखोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब तक नहीं हो रहा था मैं पेशेंस रखूंगा, धैर्य रखूंगा, और जब तक मुझे इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं कोशिश करता ही रहूंगा। तो आपको कंटिन्यू अपना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा अपने लाइफ के अंदर। मतलब जब पेशेंस रखोगे तो बाकी चीजें अपने आप ही वो परफेक्ट हो जाएंगी। मतलब तो ये थे वो 5 सीक्रेट्स, मतलब जिनको अगर आप फॉलो करोगे, मतलब, और आपके लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो जैसे मैंने बताई, कई लोग जो नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब जैसे 17-18 साल के होते हैं, मतलब 18 साल कंप्लीट करते हैं, तो अपनी स्टडी के साथ साथ कई लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ताकि वो अपने जो घर की नीड्स हैं, घर में हेल्प कर सके। मतलब तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों, मतलब दूसरे अलग अलग तरह के, मतलब जैसे जॉब करने के साथ साथ दूसरी तरह के जॉब भी करते हैं, ताकि वो जितना ज़्यादा हो सके अपने घर की जो नीड्स हैं उनको, मतलब उसमें वो हेल्प कर सके। मतलब तो कहने का, मतलब वहाँ पर भी आप इन 4-5 चीज़ों को फॉलो कर, जो मैंने आपको 5 चीज़ बताया, फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जैसे आप जॉब भी कर रहे हो और साथ में अपनी जॉब के ड्रीम उनको पूरा करना चाहते हो, मतलब, तो आप वहाँ पर भी इन 5 चीज़ों को फॉलो करो। मतलब छोड़ो मत कि अगर आप जॉब करने लगे या पार्ट टाइम जॉब करने लगे तो आपने अपने स्टडी को छोड़ दिया, या स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं रखा। मतलब क्योंकि एक बार स्टडी एज चली गई, जैसे कहा जाता है कि 15-30 साल तक की एज होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी करने की, और 30 साल तक जो हम बन जाते हैं लाइफ में, बाकी की जो हमारी लाइफ होती है, ऐसा कहा जाता है कि फिर हम उसी वे में अपनी पूरी की पूरी बैलेंस लाइफ निकाल देते हैं, चाहे वो फिर हम आगे 60 साल तक जिए, 70 साल तक जिए, 80-90 साल तक जिए। तो कहने का मतलब कि जो भी आपका, मतलब जैसे आप जॉब जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब, तो आपको वहाँ पर भी इन 5-6 रूल्स को फॉलो करना ही है। मतलब और स्ट्रगल तो आपको लाइफ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में इजली आप हासिल नहीं कर सकते। मतलब यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ विदाउट योर एफर्ट, फोकस, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। कहने वाला, आप कोई भी चीज़ जीवन के अंदर कभी भी तब तक आप हासिल नहीं कर सकते, जब तक आप उन 5 चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर आप वाकई अपने जो आपके लाइफ में ड्रीम्स वगैरह हैं, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, जिनको आप अपने जीवन में साकार करना चाहते हो, मतलब, तो आपको अपनी जो लाइफ के चैलेंजेस होंगे, जो आपकी लाइफ में आपकी चुनौतियाँ होंगी, मतलब उनसे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और अपने जीव अपने सपने को साकार करने के लिए आपको कंटिन्यू इन 5 चीज़ों पर वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब इन 5 रूल्स को फॉलो ही करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला हार्डवर्क, दूसरा फोकस, तीसरा प्रैक्टिस, चौथा एफर्ट, और पांचवा पेशेंस। फिर से मैं अभी आपको रिपीट करके मैंने बताया कि इन 5 रूल्स को आपको फॉलो ही करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप इन 5 रूल्स को फॉलो करेंगे, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी आपके लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, मतलब अगर आपको छोड़ोगे नहीं, नेवर गिव अप नहीं करोगे, तो एक ना एक दिन जो आपका ये जो ड्रीम है, एक ना एक दिन आपके लाइफ का जो गोल है आपको जरूर मिलेगा, आपका सपना एक ना एक दिन जरूर साकार होगा, और आप भी जो सक्सेसफुल होते लोग हैं, मतलब उनमें आप काउंट किए जाओगे, गिने जाओगे। मतलब तो जो भी आपके लाइफ की चुनौतियां हैं, या जो भी आपके लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, उनसे लड़ना है, मतलब उनसे आपको स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। मतलब जो भी हो सकता है, आपको उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, संभावनाएं हैं, मतलब उनको छोड़ना नहीं है। मतलब क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। एनी बडी कैन डू एनी गुड वर्क इन हिज लाइफ, मतलब, और एनी बडी कैन अचीव एनी थिंग इन हिज लाइफ, मतलब खुद की लाइफ में कोई व्यक्ति कुछ कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है, कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। मतलब जो अच्छा माना जाता है लाइफ के अंदर, चाहे आपकी कोई भी ड्रीम हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, डायरेक्टर हो, कोरियोग्राफी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, मतलब फोटोग्राफर हो, मतलब
तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, मतलब आप उसको जरूर एक नए दिन आप जरूर अचीव करोगे। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, खास तौर पर अगर आप नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब क्योंकि आप लोगों को, जैसे हम ऐसे लोगों को, जैसे मैं भी नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब तो मैं भी जैसे जब सुबह मतलब ऑफिस आता हूँ तो मतलब मुझे भी बस वगैरह पकड़ कर ऑफिस आना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। मतलब तो कहने का मतलब आपको भी जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, मतलब उसमें आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी, एक ना एक तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कंटिन्यू उस चीज़ पर अपना एफर्ट, फोकस, हार्डवर्क, प्रैक्टिस एंड पेशेंस को रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, और लाइफ में गिव अप नहीं करने की कोशिश करना है आपको। तो आप देखोगे कि जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, जो भी आपके लाइफ का मतलब जो आप बनना चाहते हो, वो एक ना एक दिन आप उसको जरूर अचीव करोगे, और आप जो बनना चाहते हो आप उसमें जरूर सफल भी होगे, और आप बन के भी दिखाओगे। मतलब तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में चुनौतियों से कैसे लड़े, मतलब इस पे एक मैंने आपको आज एक वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की कि आपके लाइफ में जो भी चुनौतियाँ और चैलेंजेस हैं उसको आप एक्सेप्ट करो, जीवन में आगे बढ़ो, उन 5 स्टेप, इन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर माई डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ऐसे वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, उन दोनों को दबा दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकें और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो खाली प्लास्टिक की बोतलें वगैरह होती हैं, जैसे कोक वगैरह की हो गई या पानी की बोतलें हो गई, और साइज उनका अलग अलग होता है, 500 ml की भी होती है, 250 ml की भी होती है, 1 लीटर की भी होती है, 2 लीटर की भी होती है। कहने मतलब खाली बोतलों का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, मतलब कई लोग तो उसको मतलब थ्रो कर देते हैं, लेकिन उसका आज मैं कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा खाली बोतलों का उपयोग करने का, जो घर में अगर आप उनको यूज करोगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा, आप उससे अपने घर को मतलब डेकोरेशन भी कर सकते हो, और आप कई तरीके से आप उन बोतलों का उपयोग कर सकते हो, मतलब जो खाली बोतलें होते हैं, खासतौर पर लोग जैसे इन बोतलों का मतलब यूज करने के बाद उसको या तो फेंक देते हैं और गार्बेज में फेंक देते हैं, और फेंक देना मतलब जब उनको यूज नहीं पता होता मतलब तो फेंक भी सकते हो, मतलब तो वो रिसाइकल चला जाता है। और दूसरी बात, अगर आप फेंकते नहीं हो तो जो मतलब उसको आप कबाड़े वाले को दे सकते हो, मतलब तो क्या होगा कि वो रिसाइकल में चला जाएगा, मतलब क्योंकि ये इसका मतलब बोलते हैं ना कि ये जल्दी से विक्टिम नहीं होता है, मतलब प्लास्टिक जो होता है तो उसका उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो कहने वाले। तो कुछ आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि खाली बोतल कैसे हम अच्छे तरीके से मतलब कुछ अलग प्रकार घरेलू उपयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब गार्बेज में फेंकने की बजाय। और तो बहुत सारे बोतलें हैं तो नहीं, लेकिन कुछ बोतलों का आप ऐसे मतलब उपयोग कर सकते हैं, मतलब क्योंकि बोतलें तो हर महीने में मान लो हर घर के अंदर लोग मतलब आजकल कोक भी पीते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है, मादा है, फेंटा है, मिरिंडा है, या फ्रूटी है, मतलब या पानी की बोतलें होती है, बिसलेरी हो गया, एक्वाफिना हो गया, मतलब और नीरो, मतलब बहुत सारे मतलब जो पानी की बोतलें होती हैं उनका हम कैसे मतलब उन्हीं के बारे में जाने कि उनको थ्रो थ्रो कर देते हैं या रिसाइकल भी दे देते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बोतलों को हम रख के उनको अपने घर के घरेलू उपयोग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं उन्हीं कुछ टिप्स की आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब तो जैसे कि मैं आपको पहला एक टिप्स या एक बताना चाहूंगा, जैसे जो बोतलें, जैसे जो बड़ी बोतलें होती हैं खासतौर पे, मतलब जो खासतौर पर जैसे कोक की बोतल हो गई या पानी की बिसलेरी की बोतलें भी आती हैं, 5-5 लीटर की होती हैं, जिसके ऊपर से हुक लगा हुआ होता है मतलब प्लास्टिक का, तो उस तरह की जो बोतलें होती हैं, मतलब
तो जो पानी की बोतलें होती है उनको आप जैसे घर के अंदर, जैसे अगर आस पास जैसे पार्क वगैरह या कहीं मिट्टी वगैरह पड़ी होती है ना, तो उसके ऊपर का मतलब जो उसका ऊपर का सिरा होता है, मतलब जैसे ये मान लो पानी की बोतल है, ये तो चलो वो फ्रिज वाली बोतल है पानी की, तो इसका आप ऊपर से जो जैसे कोक की बोतल हो गया, मिरिंडा की जो भी है, तो उसको पूरा पीने के बाद उसको फेंकने की बजाय कभी कभार, मतलब नॉट कोई बोतल इतनी सारी आ रही, सारी बोतलें तो आप उस तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो जो ऊपर का सिरा उसका काट के जहाँ पर उसका मुंह होता है, मतलब उसके अंदर फिर मिट्टी वगैरह भर के आप घर के अंदर, क्योंकि छोटी बोतल होती है तो उसे मिट्टी भरकर आप छोटे छोटे पॉट्स वगैरह यानी गमले वगैरह लगा सकते हो घर के अंदर। और गमले वगैरह लगाओगे मतलब, तो आप सभी को पता है गमले वगैरह लगाने से हमें कितना ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि जैसे पत्तियां चाहे वो किसी भी जैसे गमले में आप कोई भी फूल का लगा सकते हो, मतलब आजकल तो कई लोग जैसे जो दिखने में बहुत क्यूट क्यूट सा लगता है, जैसे टमाटर के कई लोग प्लांट लगा लेते हैं जो घर के अंदर ही लग जाता है, गमले। कई लोग मिर्ची का भी लगाते हैं, मतलब नींबू का भी लगा लेते हैं कई लोग, मतलब कई जगह तो मैंने बैगन का भी देखा, क्या मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आप ऐसे ही बोतलें अगर आती है मतलब महीने में, तो एक दो में मिट्टी भर के आप उनको ऐसे पॉट, मतलब पॉट के रूप में, गमले के रूप में आप उनका उपयोग कर सकते हो, जो कि आपकी सीढ़ी होता है, छत होता है, कहीं भी इजली वो कहीं भी कोने में रख दोगे, तो आपको गमले के रूप में इसका काम करने का मतलब एक आपको गमले के रूप में उसका उपयोग कर सकते हो, छोटे छोटे पॉट्स के रूप में। और तो ये तो हो गया हमारा प्लास्टिक की जो बोतलें होती है उसको हम गमले के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एक बोतल होती है शीशे की भी आती है, मतलब जो जैसे कई सारे जैसे बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, जैसे बियर की बोतल हो गई मतलब, या जैसे वाइन की बोतलें भी होती है, मतलब जो जो जैसे कई सारी मतलब जो मिलती है, मतलब जैसे कई लोग जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं कभी कभी, तो उनके पास बोतलें होती है, तो उन बोतलों को भी बेच देते हैं या फेंक देते हैं, तो उन बोतलों में को आप जैसे कई घरों में देखा है कि मतलब वो लोग जैसे मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो बिना मिट्टी के भी अगर पानी भर दे साफ, और उसमें उसकी जो डंडी होती है पत्तों के साथ नीचे कली होती है उसको अगर डाल दें, धीरे धीरे उस बोतल के अंदर मनी प्लांट लग के बड़ा हो जाता है धीरे 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 करके, मतलब। तो अब मन शीशे की अगर बोतल है आपके पास, चाहे वो जैसे कॉफी की बोतलें भी आती है, मतलब जैसे मतलब तो कॉफी की बोतलें भी शीशे की आती हैं कहने, मतलब तो आप उन बोतलों को मनी प्लांट लगाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हो घर के अंदर, मतलब तो भी दिखने में क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है, काफी सुंदर दिखती है। तो पहला अगर प्लास्टिक के बोतलों का आप ऐसा कोई सा भी प्लांट लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, दूसरा जो शीशे की बोतलें होती है उनको आप मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट ऐसा जो बिना मिट्टी के भी सिर्फ पानी में डाल दोगे उसकी डंडी के साथ, तो वो बड़ा हो जाता है। बाकी जितने भी दूसरे प्लांट्स हैं तो उनको मिट्टी चाहिए ही रहता है, लेकिन मनी प्लांट्स को मिट्टी नहीं चाहिए रहता है, मतलब आगे मतलब उसको उगने के लिए या बड़ा होने के लिए। और जो तीसरा अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो जो जैसे सुबह के टाइम क्या होता है कि जब हम मतलब गमले वगैरह में जो पॉट्स वगैरह पानी देते हैं, तो कई लोग मग्गे से लेते हैं या हाथ में लेके ऐसे ऐसे डालते हैं कहने मतलब, तो पानी कई बार साइड में भी गिरने लगता है कहने मतलब, और कई लोग पत्ते के ऊपर भी पानी डालते हैं, तो हाथ से सही से पानी उस पर डाल नहीं पाते हैं, सही से पानी उनको हम दे नहीं पाते हैं कहने का मतलब। तो आप करना क्या है, पानी के अंदर जो पूरी कहीं से काटा नहीं है, पानी की बोतलों को भरा, और जो बोतल का जो बेस होता है नीचे का बॉटम होता है उसके अंदर कुछ सुराख कर लिया, कुछ होल कर लिया। अब पानी के अंदर मतलब गमले में पानी डालने से पहले आप मतलब उसके अंदर पानी भर के, और उसके अंदर उस पानी को मतलब इस तरीके से जहां जहां पर गमले का पत्तियां हैं वगैरह है, तो क्या है उसके होल के अंदर से मतलब पानी निकलेगा, और अच्छे से उसके ऊपर आप पत्तियों के ऊपर या गमले के ऊपर पानी अच्छे से उनका छिड़काव कर सकते हो, मतलब कह रहे मतलब आप हाथ से ना डालने के बजाय बोतलों में पानी भर के उसके नीचे होल करके, या पानी भर के इसके आगे भी दो तीन होल करके, मतलब उसको अच्छे से उस पर गमले में पानी डालने के लिए एक उसके मतलब एक यंत्र के रूप में थे, मतलब पानी डालने वाले यंत्र के रूप में भी आप इन खाली बोतलों का उपयोग मतलब कर सकते हो कहने का मतलब। कई जगह जो जैसे लोग कई लोगों के पास छोटे 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 ड्रम होते हैं जिनके छोटे छोटे मुंह होते हैं, 50 लीटर का, 100 लीटर का, मतलब तो जो तो एक कीप टाइप का आता है, मतलब पतला सा मुंह होता है, बचपन में देखा होगा कि जो मिट्टी का तेल वगैरह मतलब कैरोसिन होता है उसको भरवाए जाते थे, तो मतलब वो लोग कीप लगाते हैं, मतलब पतली सी पाइप होती है और चौड़ा सा मुंह होता है मतलब, और उसमें वो लीटर के हिसाब से डाल के भर देते थे। तो आप जैसे जो कोक की बोतल होती है या पानी की बोतल, अगर ऊपर वाला सिरा होता है उसको थोड़ा सा ऊपर से आप काट देंगे मतलब, और उसको फिर मान लो कहीं पानी वगैरह आप टंकी में डालते हो या भरते हो मतलब किसी छोटे छोटे मुंह वाले ड्रम के अंदर, तो आप उसको ऐसे कीप कीप के तरह भी आप उसके अंदर
उसका उपयोग कर सकते हो कहने का मतलब। तो उसको आप मतलब जो छोटे मुंह वाला बर्तन है या ड्रम है उसको उसका ऊपर वाला सिरा काट के लगाए और पानी आप अच्छे से डाल सकते हो। कई लोग पानी से पाइप भी भरते हैं, मतलब पाइप पकड़ के ड्रम छोटे मुंह वाले में भरते हैं, तो पानी काफी ज्यादा वेस्ट होता है, गिरता है इधर उधर। तो आप ड्रिप लगा के पानी डालोगे मतलब तो पानी वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से पानी अंदर जाएगा। कहने वाला आप ऐसे कीप की तरह भी उस बोतल का ऊपर वाला सिरा काट कर आप उसको अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हो। और जो फिफ्थ एंड लास्ट जो चीज है जो मैं ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि बोतलें तो महीने में आती रहती है, कहीं पानी की बोतल हो छोटी वाली 1-2 लीटर की, कहीं क्योंकि कभी कोई ट्रैवल पे गया कहीं बाहर मीटिंग वगैरह में गया तो वहां से पानी की बोतल ले लिया कहने का मतलब, तो वो इधर उधर हम जैसे गार्बेज में फेंक देते हैं। तो इतनी बोतलें तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बोतलों का तो हम इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जो बाकी की जो बोतलें बढ़ती है, क्योंकि हर घर में बोतल आते ही हैं, उन बोतलों का आप इकट्ठा करके या तो आप कबाड़े वाले को दे दीजिए मतलब, तो वो क्या करेगा आगे रिसाइकलिंग में दे देगा मतलब, या उसको जो आप गार्बेज में फेंकते हैं तो उसको मतलब पिचका कर यानी दबा कर उसको आप थ्रो कर दीजिए, जो आपका कूड़े वाला था उसको दे दीजिए। और कूड़े वाले को दे देंगे तो वो भी जहाँ पर कूड़े को थ्रो करते हैं, जहाँ पे मेन पॉइंट होता है कूड़ा फेंकने का, डंपिंग साइड, गार्बेज डंपिंग साइड होता है, वहां पे भी कूड़े वाले जाके वहां से बोतलों को मतलब इकट्ठा करके वो फिर आगे बेच देते हैं, मतलब वो रिसाइकलिंग में चला जाता है। तो फिफ्थ एंड लास्ट चीज, अगर क्योंकि ज्यादा मात्रा में घर में बोतलें आती है, मतलब क्योंकि हर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो जब ज्यादा मात्रा में बोतलें आती है तो उनको या तो आप अपने कूड़े वाले को दे दीजिए, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा, अगर इकट्ठा नहीं कर और दूसरा अगर इकट्ठा कर सकते हैं मतलब, तो इकट्ठा करके आप उसको किसी कबाड़ी वाले को दे दीजिए, ताकि वो फिर आगे रिसाइकलिंग में उसको दे सके और उसका यूज हो सके। तो फिफ्थ इस तरीके से क्या होगा कि आप रिसाइकलिंग में हेल्प कर सकेंगे और फिर वो नई बोतलें बन जाती हैं। तो ये दोस्तों ये थे कुछ टिप्स वगैरह जिसको मैंने आपको बताया कि खाली बोतलों का हम कैसे उपयोग करें, चाहे वो शीशे की बोतलें हों या फिर प्लास्टिक की बिसलरी की हों या कोक की बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हों। तो उनके कुछ टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें हमेशा ऊंचे मतलब जो हमारे विचार होते हैं, हमें हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए, मतलब हमेशा अपने जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, हमेशा उनको एक ऊंचा और अच्छी अच्छी सोच वाला रखना चाहिए। तो क्योंकि अच्छी सोच वाला रखेंगे तभी हम अच्छे अच्छी चीज़ों को जान पाएंगे, अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे मतलब। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये सब पहले से ही पता होगा कि जैसे आजकल के टाइम में मतलब जैसे इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी घर के अंदर, मतलब चाहे वो नॉर्मल फैमिली हो या हाई क्लास फैमिली हो या सिंपल फैमिली हो, मतलब या मिडिल क्लास फैमिली हो, तो जब बच्चा किसी भी फैमिली में पैदा होता है मतलब, तो जो बच्चा 1 से 3 साल तक की जो एज होती है मतलब उस बच्चे की, वो उस एज में खाना पीना सीखता है, मतलब दांत वगैरह निकलते, खाना पीना सीखता है, चारों मतलब हाथ और पैरों से चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके क्योंकि जो वर्ड्स की जो क्लियरिंग होती है मतलब चैम्बर बोलते हैं वो उतने क्लियर नहीं होते हैं, पर 3 साल तक उन्हें चीज़ों को करता है। लेकिन जब 3 साल वो क्रॉस कर लेता है तब वो खाने पीने भी लगता है, चलने फिरने भी लगता है और बोलने भी लगता है। देन उस बच्चे को मतलब जैसे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो पहले से लेकर 5वीं तक, फिर 6वीं से लेकर 12th या 10th तक होता है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होता है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो होती है नर्सरी से, फिर KG LKG UKG first, second, third, fourth ऐसे करते हैं, फिर आगे क्लासेस होती है 12th के बाद, फिर 3 साल का कॉलेज भी होता है। और 3 साल का कॉलेज करने के बाद भी मास्टर डिग्री का भी होता है। तो 3 साल का कॉलेज जो होता है उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, और जो 2 साल का फिर मास्टर जो कोर्स होता है मास्टर डिग्री होती है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं कहने वाला। तो कहने वाला इस तरीके से बच्चा अपने आगे की पढ़ाई जब उसको नर्सरी में डाल देते हैं मतलब, तो बच्चा फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई
एक साल करके वो करता रहता है। तो कहने का मतलब जब वो चौथी साल जब उस बच्चे की होती है तो उसको नर्सरी में डाल देते हैं, तो चौथी साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है उस बच्चे की, वो बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है कहने का मतलब। तो इस टाइम में मतलब वो जो बच्चा होता है, मतलब उसके उसके हम उनके बच्चे होते हैं, मतलब उन्हीं के संग उनको खेलना कूदना बातें करना घूमना फिरना, चाहे वो उसके क्लास के अंदर हो चाहे स्कूल में हो या गली में हो, मतलब वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ही घूमता फिरता खेलता कूदता है, भले उसके कपड़े क्यों नहीं गंदे हो रहे होते हैं, चोट भी क्यों नहीं लग रही होती है, चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए रोता है या दुखी होता है, फिर वापस पुराने वाले कंडीशन में आके फिर खेलना कूदना स्टार्ट कर दे, मतलब उसको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, मतलब उसको सिर्फ घूमने फिरने में ही मजा आता है और अच्छा लगता है उसको घूमना और खेलना कूदना दोस्तों के साथ हम उम्र के। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करके 14वीं साल में आता है, 14th ईयर में और एंट्री करता है, तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को जो दुनिया में चीज़ें होती हैं मतलब उनको समझने लगता है कि नहीं मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, वरना टीचर मारेगी, मम्मी डांटेगी, मम्मी को कपड़े धोने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, मुझे अपना वो नीट एंड क्लीन रखना है, मुझे अच्छे से स्टडी पे फोकस करना है, मुझे आगे जाके कुछ अच्छा बनना है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा या नाना जी थे, उन्होंने अपने अपने लाइफ टाइम में कितने किसी फील्ड में अपने करियर बना के आगे पूरी पूरी लाइफ उसी में निकाल दी और फिर रिटायर हो गए, और उसके घर करियर उसके फादर भी मतलब कितने कितने चीज को अपनी लाइफ में उन्होंने सीखा या कोर्स किया, और वो उसी फील्ड में अपना जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए हमारे घर को देख रेख कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब आगे कॉलेज में पहुंचता है मतलब तो उसे और ज्यादा ऐसा होता है कि मुझे भी आगे किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है मतलब। और जैसे आजकल के टाइम में हमारे साथ बहुत सारे करियर के ऑप्शन अवेलेबल हैं, मतलब जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया करियर के लिए, एक्टिंग हो गया, डायरेक्टर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, अगर बॉडी वगैरह अच्छी हो, हाइट वगैरह अच्छी, तो कई लोग आर्मी भी भर्ती हो जाते हैं, कई लोग बॉडी बिल्डर जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाते हैं, हाइट वगैरह की बहुत अच्छी जगह हो पर मतलब। और दूसरे भी कई सारे फील्ड्स वगैरह है, मतलब लेक्चर हो गए, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, मतलब क्या ना मतलब आजकल हमारे पास बहुत सारे मतलब फील्ड बनाने के लिए, मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मतलब। तो हम उन उन जगहों पर कैसे अपने आप को मतलब किसी भी फील्ड में अपने आप को कैसे अच्छा बनाएंगे मतलब। तो पहली बात तो यही कि तो यहाँ पे अब कनेक्शन क्या है ऊंचे विचारों को रखने का, क्योंकि ऊंचे विचार का मतलब ये जो आप किसी भी फील्ड को चुन लेते हो कि मेरे को ये बनना है या भाई मुझे सिंगर बनना है या मुझे डांसर बनना है, तो इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और टाइम के साथ साथ आपको जो आपकी थिंकिंग है उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, थिंकिंग स्ट्रांग होगी आपके विचार अच्छे होंगे ऊंचे होंगे कि हाँ मुझे सीखना है, तो मतलब क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, चाहे वो हम किसी भी फील्ड को ले लें सीखने के लिए, उन चीज़ों को सीखने में टाइम तो लगना ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों रात एकदम से बड़ी नहीं हो सकती, हर बड़ी चीज़ को होने में टाइम तो लगता ही है कहने वाला। तो आपको उतने टाइम के लिए आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है मतलब, उसको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको ऊंचे रखने पड़ेंगे अपने विचारों को कि हाँ मेरे को सिंगर बनना है मतलब, तो रास्ते में मेरे जो भी दिक्कतें आए मतलब उसको मैं देखूंगा, उसको उसको फेस करूंगा मतलब, और गिव अप नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपके जो थिंकिंग होगी आपके विचार होंगे कमजोर होंगे कि आपने थोड़े थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस किया या थोड़े टाइम तक उस काम को करने की कोशिश की, लेकिन आपकी जो विचार था वो स्ट्रांग नहीं थे, वो वीक थे, आप फिर पीछे हट गए, और जब पीछे हट गए तो हो सकता है कि आपने काफी लॉन्ग टाइम बाद मतलब लॉन्ग टाइम तक आपने उस चीज को करने की कोशिश की, लेकिन जब आपने गिव अप दे दिया या छोड़ दिया अपने कमजोर विचारों के कारण, तो हो सकता है कि आप 90% 80% उस समय तक आप ओके हो चुके हो, लेकिन कुछ परसेंट पहले आपने गिव अप दे दिया, क्योंकि कितना टाइम लगने वाला है किसी भी काम को करने में वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी होगा जरूर, और इस चीज को करने में आप जब आप किसी भी चीज को होता है कि जब आप पहले छोड़ देते तो उस टाइम आप 0 नहीं होते, आप 70 80 या 90% तक हो सकता है आप ओके हो चुके हो, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, लेकिन कई लोग अपने कमजोर विचारों के कारण वीक मतलब जो वीक थिंकिंग होती है मतलब उनके कारण वो गिव अप दे देते हैं और हार जाते हैं मतलब, क्या अपनी
पेशेंस यानी धैर्य को खो देते हैं कि ये हमारे लिए बना ही नहीं, क्योंकि कई लोगों को दूसरों के मतलब दूसरों के चीजों को सुनने के कारण ऐसे कई दोस्त बोलते हैं अरे 4 साल से तू तो सिंगिंग सीख रहा है, क्या हुआ, या 4 साल से तू तो डांसिंग सीख रहा है, 5 साल से, या तो इतने साल से इस चीज की तैयारी कर रहा है, क्या हुआ, तूने अभी तक तूने क्या उखाड़ लिया, क्या बन गया, देख तेरे सामने के बाद इतने आगे निकल गए। मतलब कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जब सामने मिलते हैं तो डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या हंसी मजाक भी उड़ाते हैं कहने वाला। तो वहां पे अगर हमारे जो विचार हैं, हमारे जो हमारी थिंकिंग कमजोर पड़ गई हमारी, तो उन विचारों के कारण, उन कमजोर विचारों के कारण ही हम वहां पे सोचते हैं कि शायद ये मेरा दोस्त सही बोल रहा है, या हमें शर्म आने लगती है कि हाँ हमारा दोस्त इतने आगे निकल गए हमसे और मैं अभी तक वहीं के वहीं अटका हुआ हूँ या आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। तो कई लोग अपने वीक थिंकिंग के कारण भी मतलब क्योंकि वो आगे तक फिर और बढ़ नहीं पाते और धैर्य नहीं रख पाते उन चीजों का, तो इसलिए भी वहां पर वो उन चीजों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहने मतलब यहाँ पर चाहे आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में करियर को बनाना हो, किसी भी काम को करना क्यों ना हो, या जो भी अपने लाइफ में आप अपने और जो भी आपके लाइफ का गोल है या ड्रीम है, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आपके विचारों का उच्च होना बहुत ही आवश्यक है। आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग जब आपकी स्ट्रांग होगी तो कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आपको डिमोटिवेट भी करेगा तो आप उनकी बातों को सुनोगे और उसके ऊपर गौर नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे। और इग्नोर कैसे करोगे, आपके जो विचार होंगे, आपकी थिंकिंग होगी स्ट्रॉन्ग, हाँ मैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस वर्क, वट एवर इट विल टेक टाइम, कितना भी समय क्यों ना लगे, आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क एंड आई विल डेफिनेटली अचीव माई ड्रीम्स और माई गोल इन माई लाइफ। तो आपके जब स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होगी, जब आपके विचार ऊंचे होंगे, अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे, मतलब तो आप देखोगे कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, गोल है, या जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है और धीरे धीरे आप उस चीज को अचीव करते जा रहे हो, और एक ना एक दिन आप उसमें बेटर ही बन जाओगे और एक ना एक दिन आप उसमें अचीव भी कर आप उसको अचीव भी कर लोगे, तो प्राप्त भी कर लोगे। तो कहने का मतलब यही था कि आपको अपने जीवन में अपने विचारों को हमेशा ऊंचे रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, दृढ़ संकल्प बने होना चाहिए और अच्छे होना चाहिए। आप इन चीजों को मतलब इस तरीके के विचारों को रखोगे, अच्छे और ऊंचे विचारों को रखोगे, तो आप डेफिनेटली एक जीवन में आगे जाकर अपने सपने को साकार भी करोगे और एक अच्छे व्यक्ति ही बनोगे। दोस्तों ये थे मेरे आज का एक नया वीडियो कि जीवन में हमें हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए। कैसा लगा आप सभी मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे 2 बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब का और एक बेल वाला आइकन साइड में। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमेशा जो आप किसी भी काम को जब करते हो तो अपना हमेशा परफेक्शन का जो आपका लेवल है उसकी हमेशा चेक करें, उसके कंपैरिजन करें कि आप कितने परसेंट ओके हो या ना हो। कहने का मतलब यह है कि हमेशा अपने परफेक्शन लेवल की तुलना करें, चेक करें जो आपका परफेक्शन का लेवल है किसी भी काम करने के बाद, क्योंकि जब भी आप किसी काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उस काम को कितना परफेक्ट किया है। और बिफोर डिलीवरी मतलब डिलीवरी के मतलब उसको प्रेजेंट करने से पहले मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या आप 100% ओके हो चुके हो, या आपका जो परफेक्शन का तो लेवल 100% ओके हो चुका है कहने का मतलब। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब आजकल के टाइम में मतलब जैसे पूरे विश्व की बात करें मतलब या किसी भी मतलब देश की बात करें, तो आजकल 3 तरह की फैमिली मतलब हमें फैमिली या परिवार देखने में होता है, नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और रिच क्लास फैमिली मतलब।
तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। नॉर्मल फैमिली वाले के पास जो तो ज़्यादा रेंट पे रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं रेंट पे कमरा लेकर। और जो मिडिल क्लास होते हैं उनके पास भी घर होते हैं, बड़े नहीं होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, बट अपने घर होते हैं, जैसे 20, 25, 40, 50 गज का, 100 गज का, मतलब 1-2 फ्लोर का बना हुआ। इस तरीके से वो मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह। रिच फैमिली के पास कारें वगैरह होती हैं। नॉर्मल फैमिली जो होते हैं वो रेंट पता रेंट पर रहता है, या तो बस वगैरह पकड़ के जॉब पे जाता है या फिर साइकिल वगैरह से जॉब पर जाता है। तो कहने का मतलब, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो किसी फैमिली में आता है, मतलब चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना हो, तो जो बच्चा पैदा होता है तो 1 से 3 साल तक जो बच्चे की एज होती है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, तो उस 3 साल तक उस बच्चे को मतलब खिलाना खिलाया खिलाया खाना वाना खिलाया खिलाना सिखाया जाता है। चलना फिरना सीखता है, बोलना चलना सीखता है, और खाना के दांत वगैरह नहीं निकले होते तो खाना पीना खाना मतलब सीखता है कि खाना वाना जो हार चीज़ें होती हैं, मतलब उनको सॉफ्ट चीज़ें खिलाया जाता है बच्चे को। मतलब तो 3 साल की एज तक वो चलना फिरना बोलना और खाना वगैरह को अच्छे से खाना सीखता है। लेकिन जब वो 3 साल की एज तक चलना फिरने लगता है तो उसको 4वें साल में ही जैसे वो प्रवेश करता है, तो उस बच्चे को जैसे हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं, प्राइवेट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो पहले से प्राइमरी फिर 6वीं से लेकर 12वीं या 10th तक होता है, यानी 10th तक को सेकेंडरी और 12th तक को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर क्लासें जो होती है वो नर्सरी से शुरू होते हैं, नर्सरी KG LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते हुए 12th, फिर 3 साल कॉलेज होता है जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, फिर 2 साल का वो मास्टर डिग्री कोर्स भी होता है, मतलब उसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो कॉलेज भी 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन एक होता है रेगुलर, कहने का मतलब। तो फिर जो बच्चा मतलब अपने उस बच्चे को डाल दे तो धीरे धीरे वो अपने हर क्लास को अच्छे से स्टडी करते हुए आगे मतलब क्लास को पूरा करता है। लेकिन जो तो 4 साल से 13 साल तक की जो एज होती है, उस एज में वो बच्चा, क्योंकि वो एज जो होता है बचपना वाला कहा जाता है, हर चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उस बच्चे को उस समय में ज़्यादातर उसका मन होता है खेलने कूदने पर। जो उसके हम उनके बच्चे होते हैं, जैसे गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके साथ वो फ्रेंडशिप करता है और खेलने कूदने में उसको ज़्यादा मन लगता है। खेलते कूदते वक्त कई बार उसको चोट भी लग जाती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो दुखी होता है या रोता है, लेकिन वापस कुछ टाइम बाद फिर से वो खेलने कूदने लगता है, उन चीज़ों को भूल जाता है। तो कहने का मतलब फिर से वो पुराने चीज़ों के मतलब वो फिर से खेलने कूदने में ही वापस व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस कर लेता है, क्योंकि 13 साल तक की चाइल्डहुड का टाइम होता है, और जैसे ही वो 14वें साल या 14th ईयर में मतलब एंट्री करता है, और जब वो बड़ी क्लास में होता है उस टाइम तक 8वीं 9वीं 10वीं या जो भी अपने हिसाब से, तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझने लगता है। मतलब कि मुझे अपने कपड़े गंदा नहीं करना चाहिए, या मुझे नीट एंड क्लीन दिखना होगा, मतलब ताकि मुझे टीचर ना मारे, मम्मी को गुस्सा ना आए, मुझे भी नहीं मारे, और उनके कपड़े बहुत धुलने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कपड़े जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनको धुलने में बहुत मेहनत लगता है, कहने का मतलब। तो वो और फिर देखता है कि मुझे भी अपना किसी ना किसी आगे कॉलेज वगैरह पढ़ता है, कि जैसे मेरे दादाजी या नाना जी थे, ग्रैंड पेरेंट थे मेरे, जिन्होंने अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के फिर जॉब किया और फिर रिटायर हो गए। मेरे करेंटली फादर भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के अभी जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं और घर को संभालते, तो मुझे भी आगे जाकर मतलब जिम्मेदारियाँ होंगी और मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना पड़ेगा, कहने मतलब। तो आजकल जैसे करियर के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आपको अपने अपने सेल्फ चॉइस के हिसाब से आपको उन चीज़ों को अपने जो भी जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हो, पहले आपको चूज करना पड़ेगा, चाहे वो लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फोटोग्राफी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, अच्छी बॉडी अच्छी हाइट वगैरह। तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाते हैं। मतलब आजकल बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अपना करियर बनाने के लिए। तो कहने मतलब, तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे थे कि आपने मान लो कि कॉलेज के टाइम में चूज कर लिया कि मेरे को इस फील्ड में करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको कोई भी जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस चीज़ को रातों रात अचीव कर लोगे, 1-2 महीने में अचीव कर लोगे, उन चीज़ों को अचीव करने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपको उन चीज़ों को समय देना पड़ेगा, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी ड्रीम हो या कोई भी सपना हो या कोई भी गोल हो। तो जब आप पे वर्क स्टार्ट करते हो करना, मतलब तो जैसे जब आप उसको कहीं प्रेजेंट करने जाते हो कहीं पर, मान लो जैसे अगर डांसिंग सीख रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, तो मतलब कहीं पे अगर आपको उसको प्रेजेंट करना है, जैसे डांसिंग में कई सारे स्टेप वगैरह होते हैं, मतलब स्टेप्स पे जो होते हैं नंबर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 5 8 7 6
6543 नंबर्स पे स्टेप्स को बिठाते हैं, मतलब फिर जाके वो पूरा स्टेप बनता है तो और सारे स्टेप्स को लाकर फिर एक डांस परफॉर्मेंस रेडी होता है। इस तरीके से सिंगिंग का भी होता है, सिंगिंग जैसे मैं पिछले 3 सालों से सिंगिंग सीख रहा हूँ, सिंगिंग में राग होता है, अलंकार होता है, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं, तो इन चीज़ों को जब हम जैसे मेरे टीचर जब कोई चीज़ पूछते हैं कि सुना के दिखाओ, तो पहले हमें तो कहने का मतलब हमें अपने आप पहले चेक करना चाहिए कि हम कितने उस एरिया में उस चीज़ की प्रैक्टिस करने में कितने परसेंट परफेक्ट हुए हैं, मतलब नहीं मतलब हमें अपनी परफेक्शन की चेकिंग करनी होगी। मान लो हमने कोई डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है ना, डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है मतलब, तो उसको प्रेजेंट करने से पहले, फाइनली प्रेजेंट मतलब परफॉर्मेंस देने से पहले हमें उस चीज़ की री चेकिंग मतलब कर लेनी चाहिए, मतलब उसकी परफेक्शन लेवल की, तो आपको पता लगेगा अपना आप उसी परफॉर्मेंस का अपना एक री चेकिंग कर लोगे मतलब कहीं पे मतलब परफेक्शन लेवल का, तो आपको हो सकता है कि उस टाइम कहीं कहीं पर आपको कुछ कमियाँ देखने को मिले, तो आपको उसको अच्छा बनाने का एक मौका मिल जाएगा, उसको दोबारा से सही करने करेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से सिंगिंग का जब कोई वो होता है मतलब कहीं पे आपको प्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप पहले अगर हम चेक कर लें कहाँ पे हमारा सुर लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है, कहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो उन चीज़ों को हम सही से जानकर और उसको बेटर बनाकर जब प्रेजेंट करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, तो और ज़्यादा वो चीज़ हमारी खिल कर आएगी। तो मतलब अपने परफेक्शन लेवल को चेक करने से हमारा ये फायदा होता है कि हम उन चीज़ों को जान पाते हैं कि हाँ हम कितने परसेंट तक ओके हैं या कितने परसेंट तक ओके नहीं है, और जितने परसेंट तक हम अच्छे हैं उतना उसको और बेटर बना जो अपना परफॉर्मेंस दें, और जो हमारी कमियां हैं इसको हम अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करके उसको भी ख़त्म करें। तो परफेक्शन लेवल चेक करने से हम अपने अंदर की अच्छी अपने परफेक्शन लेवल को जान पाते हैं, और जानने के बाद ही हम उन कमियों को प्रैक्टिस करते हुए दूर कर पाते हैं। ऐसे क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को फिर दोबारा जब फाइनली कहीं पर प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, कहीं पर सुनाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं मतलब, तो वहाँ पे हमारे वो कमी निकलने का जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि आप सभी ने डांस हो, सिंगिंग हो, या बहुत सारे जैसे रियलिटी शोज में देखा होगा कि बंदे बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्रेजेंट करते हैं मतलब परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो डायरेक्ट उन चीज़ों को परफॉर्मेंस देने से पहले उन बच्चों ने या उन स्टूडेंट्स ने कई बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस की होती है, और प्रैक्टिस करने के बाद कई बार उन्होंने फिर उसका वो अपना परफेक्शन लेवल चेक करते हैं कि हम कितने परसेंट हर स्टेप को अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से गा पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से हमारा सुर लग रहा है कि नहीं, मतलब हर एक कड़ी को मतलब हर एक जो स्टेप होता है हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करते हैं, उसके बाद वो उसको करेक्ट करते हैं, देन दोबारा जाकर फिर परफॉर्म मतलब उसको दोबारा चेक करते हैं। जब वो पूरा पूरा ओके हो जाता है परफेक्शन लेवल को बार बार चेक करने पर, जब उसका वो लेवल एकदम परफेक्ट वे में पहुंच जाता है, परफेक्ट कंडीशन में पहुंच जाता है, देन वो जाकर अपने आप को ओके मानते हैं, देन वो जाकर कहीं पर प्रेजेंट करते हैं कि अब हम पूरी तरीके से इस चीज़ में ओके हो चुके हैं अपना परफेक्शन लेवल चेक करने के बाद। तो इस तरीके से फिर वो अपना मतलब जो उनका परफेक्शन लेवल चेक करने के यही सारे फायदे होते हैं कि आप अपने आप को जान पाते हो कि आप कितने परसेंट उस काम में या उस चीज़ की प्रैक्टिस करने में ओके हो या नहीं हो, उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके आप उसको और बेटर बनाकर उसको अच्छे से आप कर पाते हो, जिसके बाद आपकी वो कमियाँ दिखती नहीं है मतलब, और क्योंकि कमियाँ और परफेक्शन लेवल चेक करने के बाद अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद वो आपकी कमी निकल जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल मतलब फ़ायदे जो जब भी हम किसी काम को करते हैं, चाहे वो हमारे गोल से रिलेटेड हो, ड्रीम से रिलेटेड हो, या किसी भी काम से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर उसको फाइनली कहीं प्रेजेंट करने से पहले, बताने से पहले, दिखाने से पहले हमें उसका परफेक्शन लेवल चेक कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें मौका मिल जाता है एक दोबारा से अपने आप को करेक्ट करने का, दोबारा से उस चीज़ों को इम्प्रूव करके और बेटर बनाने का। दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें हमेशा किसी काम को करने से पहले अपना परफेक्शन लेवल चेक कर लेना चाहिए उस काम का मतलब, तो आप वो आप ही के लिए अच्छा होगा। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को ऐसे वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब के बटन के साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले आप हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो
दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्जाम एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और एग्जाम का और प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम। तो आज हम एग्जाम की तैयारी करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे, उसमें हम 5-6 रूल्स को जानेंगे का उन रूल्स को जानेंगे। अगर अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे मतलब तो हम अच्छे से किसी भी एग्जाम का जो तैयारी होता है प्रिपरेशन होता है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जब कोई मतलब जैसे भारत देश और जैसे हमारे देश में मतलब कि 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक होता है नर्सरी से लेके फिर नर्सरी केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो प्राइवेट स्कूलों में होता है, उसके आगे की क्लासे होती हैं, देन कॉलेज होता है 12th के बाद 3 साल का। और जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वो पहली से होता है, फर्स्ट से प्राइमरी देन 6th से 10th तक या 12th तक, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं हमारे देश में। तो कहने का मतलब, और तो हर क्लास में स्टूडेंट होता है, उसके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, एग्जाम के पहले उनको टेंशन वगैरह भी होता है कि हाउ टू मतलब उसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। करना तो चाहते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं पता होता है कि मतलब उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें कि हम अच्छे मार्क्स ला पाए। और प्रिपरेशन क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने से पहले आपको प्रिपरेशन का सही मेथड पता होगा। अगर आप उन मतलब प्रिपरेशन उस मेथड में करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको अपने जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपका अच्छे से प्रिपेयर होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही उन्हीं 5-6 रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हम उन कैसे 5-6 रूल्स को फॉलो करके मतलब अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो हमारा जो पहला रूल है अच्छा मतलब एग्जाम को प्रिपरेशन करने का, वो है कि आपका जो कीप स्विच ऑफ फोन और मोबाइल, मतलब आपका आजकल के टाइम में हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट मतलब वो फोन तो यूज करता ही होगा। कहने का मतलब खासतौर पर जो बड़ी क्लास में मतलब उनके पास तो डेफिनेटली फोन होता है ना। लेकिन तो आप मतलब सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, मतलब तो उस टाइम क्या होता है कि आप नई तरफ किताब लेके रीड कर रहे हो या रफ प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ की मतलब, लेकिन साइड में फोन रखा हुआ है तो स्क्रीन में लाइट जली, डिस्प्ले के अंदर आप देखे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, मैसेंजर में आ गया, कॉल आ रहा है या कुछ भी हो सकता है। तो आप उस टाइम जो आपने अपना मतलब जिस टाइम आप स्टडी करते हो कहने का मतलब, उस टाइम आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड करके साइड में कहीं रख दीजिए। अगर आप वाकई में अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो तो आपकी इच्छा है, मतलब कि आप अच्छे से मार्क्स से पास होना चाहते हो कि नहीं। आप चाहते हैं तो आप रूल को फॉलो करोगे, क्योंकि मोबाइल तो आपको लाइफ टाइम तक यूज करना है। लेकिन जो आपका अभी करेंट जो एज है स्टडी का, मतलब स्टडी वाला जो एज है, वो वापस आपकी बार बार वापस लौट के नहीं आएगी। मतलब वो स्टडी की एक ही बार मतलब एक ही होती है, मतलब 15 से लेके या 30 साल तक की एज ऐसी होती है जिसमें आप अपने आप को जो भी कुछ सीखना है, जो भी जितनी पढ़ाई करने कर सकते हैं, उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, फिर अपने बाद में बच्चे सेटल हो जाते हैं, जो भी उस एज तक सीख लेते हैं उसी में अपना आगे का पूरा लाइफ निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब आप अगर वाकई अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के प्रति सीरियस है मतलब गंभीर है, तो आपको अपना फोन स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड करके कहीं पर रख दीजिए। और कुछ टाइम बाद आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए जो भी आप सब्जेक्ट की कर रहे हो, उसके बाद आप उसको अपने फोन को चलाइए, मतलब कुछ टाइम के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ करके रख दीजिए, जब तक आप किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो या उसको याद कर रहे हो या उसका रफ वर्क कर रहे हो। तो जो पहला हमारा था वो यही है कि आपको अपना फोन को साइलेंट मोड पे स्विच ऑफ मोड करके कहीं टेबल पे कहीं पर रख देना है, मतलब कुछ टाइम के लिए। दूसरा जो हमारा रूल है वो ये है कि आपको दिन में 2 कम से कम फिक्स टाइम करना है स्टडी का। एक रात को जैसे जैसे मेरा जब मैं अब 12th क्लास में था, तो मैं क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आना था, मुझे रेगुलर कॉलेज में पढ़ना था, मतलब तो मेरा जो स्टडी का टाइम था 10 से 1 बजे तक था। तो मैं डेली जो मेरे जब मैं 12th में था, मैं 8 साइड से मेरे 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल और हिस्ट्री। तो हिंदी इंग्लिश में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट जो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल थी इनको मैं डेली आने घर से मतलब स्कूल से पढ़ आने के बाद 10 से 1 बजे तक डेली प्रैक्टिस 1 घंटे 3 सब्जेक्ट्स को देता था। और उस टाइम में कुछ भी नहीं छूता था मतलब, और अच्छा तो फोन भी नहीं हुआ करता था कहने का मतलब, वो बटन वाले फोन होते थे जिसमें सिर्फ आप कॉलिंग ही कर सकते हो। तो अच्छी बात थी। तो मैंने 12th में 76% पास आउट हुआ और मेरा अच्छे से
जो दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो पीजीडीए भी कॉलेज जो नेहरू नगर में, वहीं से पास आउट हूँ मॉर्निंग शिफ्ट से, फर्स्ट डिवीजन रेगुलर कॉलेज वहीं से किया है। तो कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस था, तो मैं चैनल, तो मेरा अपना फोन ही नहीं था, मतलब वो नंबर वाला फोन था, तो मैं अच्छे नंबर से पास हुआ। फिर रेगुलर कॉलेज भी मैंने अच्छे से किया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हो गया। तो दूसरा जो था, आपको अपना दो टाइम डिसाइड करना है, एक तो रात को 10 से 1 बजे तक वो आपको अपने हिसाब से देखना है, और सुबह मतलब 4 बजे उठ के 7 बजे तक स्टडी करना है। तो आपको दो दो स्लॉट बनाने हैं स्टडी करने के, मतलब ताकि, और उस फिक्स टाइम में बताया कि फोन को यूज नहीं करना है। जैसे पहले आपको रूल बताया, आपको अपना फोन को स्विच ऑफ कर देना। तो जो आपके दो फिक्स टाइम वाले होंगे, मतलब जिसमें आप स्टडी करोगे 10 से 1 या सुबह 4 से 7, क्योंकि उस टाइम सुबह शांत होता है, मतलब, और 10 बजे के बाद भी काफी शांति ही होती है, मतलब। तो उस टाइम अगर स्टडी कर रहे हो तो आप अपना फिक्स टाइम कर लीजिए, मेरे को दो टाइम स्टडी करना है 3 3 घंटे का, मतलब, और उस टाइम मुझे फोन को स्विच ऑफ करके रख देना या चलाना ही नहीं है। दूसरा हमारा था, आप अपना फिक्स टाइम कीजिए स्टडी करने का। तो तीसरा है आपका जो रूल है वो ये है, आपको, क्योंकि दिमाग स्टडी टाइम काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, लोड होता है सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करने का, मतलब। तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए 10 से 15 मिनट। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे, प्ले स्टोर में म्यूजिक मेडिटेशन होते हैं, और ओम की चैंटिंग वाले तो बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, मतलब उसको आप प्ले करके ईयरफोन सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, आपका बहुत काम माइंड होगा, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील होगा दिमाग की शांति के लिए, क्योंकि एग्जाम का फियर और प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मतलब। तो आपको उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए 10 से 15 मिनट सुबह के टाइम उठकर, मतलब जो भी आप टाइम निकाल सको, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आप देखोगे इससे भी आपका जो प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। जो फोर्थ रूल है वो ये है, जब आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन जब किसी भी सब्जेक्ट का करते हो स्टडी के टाइम में, तो आपको इस टाइम अच्छे से उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 घंटे जब भी आप में टाइम दे रहे हो तो प्रैक्टिस पूरी अच्छे से ही करनी है, मतलब अच्छे से अपना पूरा उसको प्रैक्टिस करते हुए, मतलब आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, मतलब। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको उसी जल्दी से याद होगी। ये हमारा आज का फोर्थ रूल था। जो फिफ्थ रूल है वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो सब्जेक्ट का, तो उस टाइम आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है। तो फिफ्थ हमारा 100% एफर्ट, आपको अपना पूरा का पूरा एफर्ट देना है उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अच्छे से उनको, जो भी आप याद कर रहे हो, मतलब, या उसके अलावा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है। और छठा है वो है, आपको अपना 100% फोकस भी रखना है, फोकस को अपने हटने नहीं देना है। तो आपको जो मैंने पहला बताया आपको कि फोन को स्विच ऑफ रखना है कहीं पर टेबल पे या साइलेंट मोड पे, दूसरा आपको अपना टाइम निकालना है, मतलब 2 से 3 घंटे का एक फिक्स टाइम करना है, तीसरा आपको मेडिटेशन करना है, चौथा आपको पेशेंस रखना है, मतलब जैसे मैंने बताया कि पेशेंस रखना है प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब। और पांचवी चीज मैंने बताया कि आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है, मतलब। तो आप एफर्ट दोगे तो आप देखोगे आपको धीरे धीरे उसमें रिजल्ट मिल रहा है। तो आप जब, इसके मैंने आपको पहले बताया, जब आप पेशेंस रख दो, पेशेंस के साथ आपको उस, और पेशेंस रखते हुए आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब, तो प्रैक्टिस आपको करने के लिए आपको उस पेशेंस भी अपने साथ रखना है, धैर्य को भी रखना पड़ेगा। और आखिरी चीज मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपको एफर्ट, फोकस और एफर्ट, मतलब फोकस थी आप फिफ्थ थी, और छठी जो लास्ट है वो एफर्ट, आपको 100% अपना एफर्ट देना है। क्योंकि अपना 100% एफर्ट दोगे, 100% फोकस रखोगे और प्रैक्टिस करते वक्त अच्छे से अपना पेशेंस रखोगे, मतलब, तो आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ की जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से हो रही है, आपको चीज़ें इजिली याद हो जा रही है। तो ये थी, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा। पहला था फोन को स्विच ऑफ रखना है, साइलेंट मोड रखना है जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। दूसरा जो था वो आपको मतलब अपना फिक्स टाइम करना है स्टडी का। तीसरा आपको मेडिटेशन करना है। चौथा आपको पेशेंस रखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स की। फिफ्थ आपको अपना 100% एफर्ट देना है। छठा आपको 100% अपना फोकस रखना है। तो ये थे दोस्तों 5-6 वो रूल्स जिनको अगर आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो और आप इन 5-6 रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो रही हैं, अच्छे से आप उन चीज़ों को याद कर पा रहे हो, और आपका फिर एग्जाम भी अच्छे से जाएगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करोगे। दोस्तों ये था मेरा आज का नया वीडियो, आपको थोड़ा प्रिपरेशन करने के तरीके के बारे में बताने के बारे में। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है
मेरे चैनल पर मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इसे वीडियो के नीचे दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि किसी भी काम और किसी भी कार्य को करते समय, यानी अपने जीवन में किसी भी काम को करते हैं, मतलब खासतौर पर जब आगे बहुत जब किसी मतलब बड़े लेवल पर होते हैं, मतलब तो उस काम को करने से पहले हमेशा अपने अपने आप को चेक कर लें, हमेशा अपनी जांच कर लें, मतलब कि मतलब वो सही से हुआ है या नहीं। मतलब कहने मतलब जो सही सही बात करें, तो किसी भी काम को अपने जीवन में करने से पहले हमेशा उसकी जाँच कर लें, उसको फिनिश करते हैं से पहले, क्योंकि फिनिश कर लिया तो फिर आगे कुछ कर सकते हैं। तो फिनिश करने से पहले जब वो एक रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, या जब भी किसी काम करते हैं, तो मतलब उसको जांच लिया कर रहे हैं, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले उसको आप अच्छे से जांच कर लें, मतलब उसको अच्छे से चेक कर लें कि ऐसा ही से हुआ है कि नहीं। इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के समय में मतलब दुनिया के अंदर, चाहे वो रिच फैमिली हो, सिंपल फैमिली हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब तो वो जब किसी फैमिली में पैदा होता है, तो एक से तीन साल तक की जो जब बच्चा पैदा होता है, एक से तीन साल तक उस बच्चे को मतलब क्योंकि बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा पी नहीं पाता, तो उसको फिर एक से तीन साल तक उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है कि उसके वर्ड्स वगैरह क्लियर निकले, और दांत वगैरह नहीं होता तो धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, तो उसको चीज़ों को खिलाया जाता है, मतलब तो दो तीन चीज़ें वो करना सीख रहता है, और तीन मतलब करना सीखता है कहने में तीन साल तक। जैसे तीन साल वो क्रॉस करता है, उसको बोलने बोलने लगता है, उसके वर्ड्स भी क्लियर होते हैं, चलने भी लगता है, मतलब और अच्छे चीज़ों को खाने भी लगता है। देन उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, जैसे हमारे भारत से देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है पहले से लेकर प्राइमरी तक, फिर होता है छठी से लेकर बारहवीं तक या टेंथ तक, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके अलावा जो दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल, वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर नर्सरी केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद आगे मतलब ट्वेल्थ तक होता है, फिर तीन साल का कॉलेज भी होता है जिसको ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, बाद में फिर दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है जिसको हम मास्टर डिग्री बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब, उस बच्चे को नर्सरी में डाल दिया रहता है, तो नर्सरी में डालने के बाद जो उस बच्चे की चार साल से लेकर तेरह साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपने वाली होती है, मतलब तो इस एज में क्या होता है, जो बच्चा होता है, उसके जो हम उम्र के बंदे बच्चे होते हैं, चाहे उसी क्लास में हो या गली में हो या स्कूल में हो, मतलब वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ही फ्रेंड से वगैरह सीखता है, उनसे भी उनके साथ ही खेलता कूदता रहता है, मतलब और वो खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। कई बार उसको चोट भी लगती है हमारे खेलते कूदने में, बट वापस थोड़े टाइम के लिए दुखी होता है या रोता है, वापस वो हैप्पी होकर वापस खेलना कूदना शुरू कर देता है। कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं मतलब, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ खेलता कूदता है, ये कहने का मतलब, और हम उनके और बच्चों के साथ रहता है जो कि गली में होते हैं। लेकिन जब वो तेरह साल की एज क्रॉस करता है, तो उसकी बचपना की एज खत्म हो जाती है, और चौदह साल से मतलब 14 ईयर से फिर वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, कहने का मतलब कि नहीं, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम पर स्टडी करना चाहिए, मुझे अच्छा मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, कपड़े गंदे करूंगा तो मम्मी मारेंगी, टीचर मारेंगे, मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब उन चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है। और कई सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब तो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में मतलब वो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, मतलब क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, और जो इंटेलिजेंट होता है वो उन चीज़ों के बारे में इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो कहने के मतलब फिर आगे जाके वो ये भी देखता है कि मतलब उसके जब वो ट्वेल्थ में पढ़ता है, जब कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना थे या नानी दादाजी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब कहीं ना कहीं फील्ड में अपना करियर बना के आगे पूरी लाइफ निकाल दिया, फिर रिटायर हो गए। उसके बाद उनके करंट फादर भी, उन्होंने भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के करंटली वो जॉब कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। तो आगे आकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कहने मतलब।
तो जैसा कि आजकल के टाइम में मतलब आजकल के समय बहुत सारे हमारे पास क्या बोलते हैं करियर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लेक्चर हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। कई लोग बॉडी अच्छी होती है तो आर्मी चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड ही बन जाते हैं। उसके अलावा दूसरे जो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं मतलब तो एक्टिंग का सीख के डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं विदेशों में जाकर। तो कहने मतलब आजकल अब फील्ड के जो ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन बहुत सारे हमारे सामने अवेलेबल है। तो आपको भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही है, मतलब वो बच्चा मतलब सोचना ही है। मतलब तो कहने मतलब अगर आप वाकई में पहले तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस फील्ड में करियर बनाना है तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट या अपने जो जिसमें आपका दिल लगता हो, मन करता हो, उसको आप चूज कर लीजिए। मतलब और जब उसको चूज कर लेते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है मतलब जिसमें आप चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग या दूसरे कोई भी फील्ड हो, मतलब तो जब उसकी तैयारी करते हो, मतलब क्योंकि ये चीजें ऐसी है मतलब जो रातों रात कोई भी चीज हम अचीव नहीं कर सकते, उसमें हमें परफेक्शन लाने में टाइम लगता है। कहने मतलब तो कहने मतलब जो आज अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप उस चीज की तैयारी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मतलब तो जैसे बोलते हैं ना कि सिंगिंग में कई सारी चीजें होती है, जैसे मैं सिंगिंग थी सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो रागे होती है, अलंकारें होती हैं, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं। मतलब तो कहीं भी हम जब अपना प्रैक्टिस करके सुनाने जाते हैं किसी को भी, तो अपने गले के और चेक करते हैं कि हमारा सुर बैठा हुआ है कि नहीं, हम सही से सरगम लगा पा रहे हैं कि नहीं, सही से आकारों को लगा पा रहे हैं कि नहीं। कहने मतलब हम अपने जैसे मैं अपने आपको पहले चेक कर लेता हूँ, मतलब चेक करने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, या कहीं पे मेरा सुर नहीं लग रहा है, उसको लगाने की कोशिश करता, फिर जाके मैं अपना आगे रख के उसको मतलब टीचर को सुनाता हूँ या बताता हूँ। इस तरीके से डांस के जो लोग डांस सीखते हैं, मतलब डांस में जो तो स्टेप्स होते हैं वो नंबर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 नंबर्स पे स्टेप बैठते हैं। मतलब तो आपको कोई परफॉर्मेंस देना है डांस का, है ना, तो पहले आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करते हुए डायरेक्ट अपने आपको बिना चेक किए हुए डायरेक्ट परफॉर्मेंस देने से अच्छा है कि पहले अपने आपको चेक कर ले कि आप उन स्टेप्स को अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने मतलब कोई भी, और फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़ी क्लास में हो, मतलब किसी अच्छे बड़े चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैमरे के अंदर जैसे आप कहीं शूट करने जाते हो तो शूट में से कैमरा लेकर पहुंच जाने से मतलब नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ों को कैमरे के अंदर सेट करना होता है, जैसे एपर्चर हो गया, वाइड बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया और ISO हो गया, इन सबको सेटिंग करनी होती है। इंडोर मतलब किसी हॉल के अंदर है या आउटडोर पे, तो आउटडोर इंडोर के हिसाब से की सेटिंग करनी होती है। कहने का मतलब यही है कि मतलब आप किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब तो उस काम को करते वक्त और कहीं पे अगर आप शिप को प्रेजेंट करना है या कहीं पर उसको प्रेजेंट करके दिखाना है या बताना है या सुनाना है या परफॉर्मेंस ही क्यों ना देना है, तो उसको करने से पहले उस तरीके कुछ भी करने से पहले ना पहले अपने आप को जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस चीज़ की आप चेकिंग कर लो, मतलब कि मैं उसको सही से प्रिपेयर कर पाया हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट उसको प्रेजेंट कर दिया और वहां पे जो गलती हो गई, तो बोलते हैं उस गलती के बाद मतलब आप कोई बड़े बड़े जज वगैरह आकर चेक कर लिया कि नहीं इस बंदे परफेक्शन तो है ही नहीं, तो फिर आप अपने अपना अपने आप को रीचेक किया या नहीं, चेकिंग किए नहीं, जांच किए नहीं, मतलब अपने आप की कि आप उस काम में परफेक्ट हो गए नहीं, या आपने आपने उस काम के अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नहीं, तो आपने अपने आप में खुद की सेल्फ चेकिंग ही नहीं की मतलब, और आप डायरेक्ट प्रेजेंट करने लगे उस चीज़ को, तो अगर वहाँ पर कोई एरर निकला फिर आपको दोबारा मौका हो सकता है नहीं मिले। कई बड़े बड़े जगहों पर जैसे जो बड़े बड़े रियलिटी शोज होते हैं डांस के, सिंगिंग के, मतलब तो वहाँ पर पूरे बंदे प्रिपेयर होकर अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करके सेल्फ चेकिंग करके ही जाते हैं, ताकि वहाँ पर कोई गलती ना हो। क्योंकि आप बिफोर चेकिंग मतलब करने से पहले अगर अपने खुद की बिफोर चेकिंग कर लेंगे मतलब, तो हमें पता रहेगा हमारी क्या कमियां हैं, क्या किस जगह पे हम कमजोर हैं, कहाँ हमारा अच्छा पॉइंट है, मतलब उस तरीके से हम पूरा अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लेंगे। मतलब तो कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और उसको करने और उस तैयारी करते हुए जब आपको अगर आपको उस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर शो करना है, परफॉर्मेंस देना है ना, सुनाना है, बताना है, तो अपने आपको एक बार सेल्फ चेकिंग जरूर कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट ओके नहीं हो, या कौन कौन सा आपका भी वीक पॉइंट रहेगा और कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो आपके वीक पॉइंट होंगे उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको और बेटर बनाओ। तो सेल्फ चेकिंग करने से कई सारे फायदे होते हैं कि आप अपने बारे में रियलिटी चेक कर पाते हो कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट नहीं हो। मतलब तो हमेशा अपनी सेल्फ चेकिंग जरूर करें, अपने अपना हमेशा
अपने खुद की मतलब चेक, अपना जो भी काम करने से पहले अपना खुद की चेकिंग जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा जो ऑलरेडी आपको इस वीडियो से बता चुका हूँ। तो कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि नए नॉलेज और मोटिवेशनल वाले वीडियो के बारे में, और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक रेड सब्सक्राइब का बटन, दूसरा आपको बेल का आइकन दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो अभी जाइए और आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन को और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले आप इस चैनल से कनेक्ट होने के बाद मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं महाराज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब कोई भी हम काम करते हैं तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, और प्रैक्टिस करने के सही तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस करते वक्त हमें किन 5 रूल्स को फॉलो करना चाहिए और तो सही तरीका क्या होता है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस करने का सही मेथड होता है, सही तरीका क्या होता है और उसमें हमें किन 5 रूल्स को फॉलो करना चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त, चाहे हम किसी भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हों या किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हों या किसी मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हों, तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों पहला जो हमारा आज का जो रूल है, जब आप किसी भी मान लो चाहे आप किसी भी किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपको मतलब क्लास में मिली हुई हो, मतलब आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, हर क्लास में कई सारे मतलब जैसे कहा जाता है कि जैसे जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं मतलब 1 से लेके 5 तक के होते हैं, तो मोस्टली सबके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे स्टेट्स मतलब उसके बाद संस्कृत भी होता है, ड्राइंग भी होता है, आगे की जब क्लास बड़ी हम जाते हैं तो और भी दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिकल हो गया, हिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई और केमिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी हो गया, मतलब इस तरीके से हर मतलब क्लास बड़ी हो या छोटी उसके हिसाब से और हर बच्चे स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उसी क्लास के हिसाब से। तो कहने का चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आपके अगले दिन एग्ज़ाम है और आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, या कोई यूनिट टेस्ट है, आपको कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट बनाना है, उसके लिए आपको अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज होने के लिए आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जो आपको मतलब वो चीज़ें जो मैं आपको 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाले हूँ उनको अगर फॉलो करोगे तो आपकी उन चीज़ों पर अच्छी प्रैक्टिस होकर आपको उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा आपके आपने जो भी प्रैक्टिस वगैरह किया है। तो जो पहला रोल है, आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो आपको किसी भी चीज़ के थ्रू डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए है ना। तो पहला है कि जब आप किसी भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो या सब्जेक्ट को याद कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो या सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रैक्टिकल हो या असाइनमेंट हो, आपके सबसे पहले जो आपका फ़ोन है मतलब उसको किसी टेबल पर रख देना चाहिए साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ करके, क्योंकि जब मान लो कि सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आपको 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है बहुत ही सावधानी से, मतलब हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ना है मतलब, तो उस टाइम जैसे हर फोन के अंदर व्हाट्सएप होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है और बहुत सारे यूट्यूब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब जिनमें मैसेज वगैरह आते रहते हैं मतलब। तो अगर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट मिला, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब, और आपके बीच में मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं बार बार, जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है मतलब वो बार बार उसके मतलब उसकी लाइट जल रही है बार बार, तो आपके जब भी कुछ मैसेज आपके डिस्प्ले में लाइट जलेगी या उसके डिस्प्ले की लाइट मतलब उसमें आएगा मतलब, तो आपको लगेगा कि किसी का मैसेज आया है या किसी का कुछ है अर्जेंटली है, तो आपका जो माइंड होगा बार बार डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी या जिस जिस सब्जेक्ट की जिस काम की भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे मतलब आपका माइंड जो होगा डिस्टर्ब होगा। इसलिए जब आप किसी भी काम की या यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो मतलब किसी भी काम की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब जो आपको मिला हुआ है, उसके लिए आपको जो पहला रूल है वो है आपको अपने फ़ोन को कहीं पे और किसी टेबल पर स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड पे करके रख दो, ताकि उसके बाद जो आप 1-2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने वाले हो उस काम की या उस सब्जेक्ट की या उस असाइनमेंट की या प्रैक्टिकल की, आप उस पर अच्छे से अपना उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको टाइम देते हुए।
जो हमारा दूसरा जो रूल है, मतलब प्रैक्टिस करने का, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करें, वो है कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे जैसे बोलते हैं ओम का, कई लोग ओम के सुबह उठ के जल्दी उठ के 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मतलब तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग बहुत शांत रहता है और उससे एनर्जेटिक फील भी होता है। मतलब जब दिमाग शांत होगा और एनर्जेटिक फील होगा, मतलब तो आप जब जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसमें मन लगेगा। तो मन लगने के लिए किसी भी काम में आपको डेली 10 से 15 मिनट चाहे ओम की चैंटिंग कर लो, या ओम की बने बनाए म्यूजिक भी होती है यूट्यूब पे पड़ी हुई होती है, मतलब उनको आप सुन लीजिए 10 से 15 मिनट, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, कार्म हो जाएगा और एनर्जेटिक भी हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप जिस भी काम का प्रैक्टिस करने जा रहे हो या आप कर या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसमें अच्छे से मन भी लगेगा। तो दूसरा जो रूल है वो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए 10 से 15 मिनट डेली। जो हमारा तीसरा जो रूल है वो है कि जब आप किसी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका जो फोकस है, मतलब उस काम पे करते हुए, मतलब जैसे बताया जब मोबाइल फोन में कॉल आती है, मैसेज आते हैं, तो आप करो प्रैक्टिस करते हो, आपका फोकस हट जाता है। मतलब क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फोन मोबाइल पे जाता है या किसी काम में घूमता रहता है। मतलब तो जब अगर फोकस सही नहीं होगा तो जो भी आप जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब उसमें आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। या जो आप करने जाओगे जिसमें आपको अच्छे, मतलब सब्जेक्ट की तैयारी करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आप एग्जाम दोगे, तो आपके होते हैं अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त आपका उस टाइम पूरा फोकस नहीं रहा। तो आपको जब जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस समय उस काम पर या उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए। क्योंकि 100% आपका फोकस होगा तो आपको उसको काम को करने में आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और आपको अच्छे से वो चीज़ याद भी हो जाएगी, और वो काम धीरे धीरे बेटर भी हो जाएगा, और आपको उसमें अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा। तो तीसरी जो चीज़ है वो है आपको जो फोकस है वो अपना पूरा 100% रखना पड़ेगा। जो चौथी चीज़ है वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो और उस पर फोकस भी कर रहे हो अच्छे से, मतलब फोकस भी कर रहे हो, मोबाइल को भी साइड में रखा हुआ है, बट आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। 10 मिनट करते हो फिर लगता है कि अरे, मतलब दिमाग फिर डाइवर्ट हो जाता है, मतलब पेशेंस धैर्य नहीं रख पाते अब अपने पास कि नहीं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, अभी कुछ चाय पी लेता हूँ या कुछ खा लेता हूँ। तो इससे क्या है कि जब कोई भी किसी भी काम में हमें तभी रिजल्ट मिलता है जब उस काम को की प्रैक्टिस हम 2-3 घंटे लगातार करते हैं। 10 मिनट में हम किसी भी काम को करते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं, मतलब तो एक तो हमारा फिर मन नहीं बैठता है और अच्छे से हम उस काम को कर नहीं पाते हैं, और बार बार मन हमारा दूसरी चीज़ों पर जाने लगता है। तो मतलब चौथी चीज़ वो आपको है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना होगा। जब आप किसी भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उस टाइम आपको अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो आपको देखोगे, आप पेशेंस रखते हुए 2 से 3 घंटे आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो अपना पूरा का पूरा फोकस करते हुए, और मोबाइल फोन को कहीं साइड में रखते हुए, तो आप देखोगे आपको उस काम के अंदर धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा है, मतलब और आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो रही है, या उस काम को अच्छे से कर पा रहे हो पेशेंस को रखते हुए, धैर्य को रखते हुए। तो ये थी हमारी चौथी, और जो लास्ट और फाइव जो हमारा रूल है वो है आपको जो अपना एफर्ट है, मतलब जो कोशिश है वो आपको 100% करनी है। मतलब ये नहीं कि आप आधे मन से, मतलब उस काम को कर रहे हो आधे मन से, उस प्रैक्टिस कर रहे हो और जो दिमाग है वो फ्रेंड्स से मिलने में है, या किसी से बात करने में है, या किसी दूसरे काम को करने में है, या किसी मूवी को देखने में, या किसी, मतलब ए टू जेड जो भी दूसरे काम होते हैं, कहने मतलब जिस टाइम भी आप जिस भी वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हो, सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस समय उस टाइम और उस जगह पर उसी काम में आपका पूरा पूरा जो क्या बोलते हैं एफर्ट है आपको अपना देना होगा, ना कि दूसरी चीज़ों पर। क्योंकि जब पूरा का पूरा एफर्ट दोगे, पूरा फोकस करते हुए, मतलब और बाकी रोल्स को फॉलो करते हुए, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उस काम को अच्छे से करते जा रहे हो, और आपको धीरे धीरे मन में लगने लगेगा। क्योंकि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं और उसमें हमें रिजल्ट दिखने लगता है, रिजल्ट मिलने लगता है, मतलब और हमें वो चीज़ याद आने लगती है, तो धीरे धीरे हमें वही चीज़ करने में मजा आने लगता है, और हमें उसी काम को करने में अच्छा भी लगने लगता है। तो पांचवी चीज मैंने बताया, आपको अपना 100% एफर्ट भी देना पड़ेगा किसी भी काम की प्रैक्टिस करते हुए, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी की प्रैक्टिस करते हुए। तो दोस्तों ये थे वो 5 रूल्स जो आप किसी भी काम को, मतलब
मतलब किसी चीज की अगर प्रैक्टिस करते हो किसी काम को करने की, तो आपको उन 5 रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो पहला मैंने बताया वो था कि अपने फोन को स्विच ऑफ करके थाली मोड़ करके टेबल वगैरह पर रख दीजिए। दूसरा था आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरा था आपको फोकस अपना 100% करना पड़ेगा प्रैक्टिस करते वक्त। चौथा था आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिफ्थ एंड लास्ट था आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा जो भी काम आप कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन 5 रूल्स का फॉलो करोगे तो आप देखोगे जिस भी काम का प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट भी मिल रहा है और आपको उसको काम करने में मजा भी आ रहा है और आप उस चीज़ को अच्छे से सीख भी रहे हो। दोस्तों ये था मेरा आज का नया वीडियो, कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर डियर फ्रेंड्स।